लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उठ जा, बैठ जा, बोका चोदा सो जा, दांडी के बादी के बोका चोदा मुड़ जा, देख मत सुन मत बोका चोदा मर जा, बोका चोदा सो जा, बोका चोदा मर जा। अंग्रेजी डिक्शनरी के 97th पेज पे एक छोटा सा वर्ड आयरनी। लेट्स मीट द फुदू बॉय। फुदू बॉय एक मेडिकल स्टूडेंट है, फुदू बॉय बिचारा है एंड फुदू नीड्स टू फिनिश द रिसर्च पेपर ऑन लंग कैंसर। आयरनी, गो फिगर। दादा, मेहनत वाले 20 घंटे पुल ऑफ करने के लिए 40 कैंसर स्टिक्स का टार। डेंड्रफ के वाटरफॉल के बियॉन्ड फुद्दू बॉय का एक ही ड्रीम है, एक ही मकसद है कि ये डॉक्टर बनेगा, लाइफ सेव करेगा। Obviously, एक और सुट्टे के बाद। देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेज हट जाए। हार्ट रेट तो अभी भी बहुत कम है। देखिए, ऐसे केसेस में दवा से ज्यादा दुआ ही काम आती है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सारी गलती ग्रेस एनाटॉमी और ओल्ड स्कूल बॉलीवुड की है। मेरे लिए तो डॉक्टर साहब आप ही भगवान हैं। बहनचोद, इधर ही तेरा हार्ट बीट रोक देगा मैं। अलग 15 लाख का बिल फाड़ के बोलता कि अब दुआ काम आएगी, बेवकूफ समझता है। सो बेसिकली प्लेइंग डॉक्टर, डॉक्टर इज लाइक प्लेइंग पोकर। अपनी सारी एक्सपर्टीज अप्लाई करने के बाद भी ईदर यू आर लकी, नहीं तो तुम्हारी लगी। और ये इंटेंस गैम्बल शुरू होता है ऐसी जगहों पर जिसका नाम है कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो बेसिकली मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना इज लाइक अ वाइल्ड हुकअप। टेम्पटिंग है, थ्रिलिंग है, शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा, बट उसके बाद लाइफ इज लाइक अ प्रेगनेंसी। सो जहां तुम्हारे फ्रेंड्स एक्सोटिक डेस्टिनेशन वेडिंग्स में एक्सपेंसिव शैंपेन पी रहे हैं, डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशंस वाली कंट्रीज में हनीमून हनीमून खेल रहे हैं, तुम यही हो दादा, क्योंकि MBBS एक इनफाइनाइट लूप है, पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। एंड आई एम श्योर 90% लड़के हैं ना कॉलेज में इसीलिए दाखिला लेते होंगे क्योंकि इस कॉलेज का नाम है किम्स। किम्स किम्स, याद आया कुछ? और उन्हें लगता है कि उन्हें एक दिन यही मिलेगी वो किम कार्दाशियन। ये है किम्स का ऑफिशियल स्टड बॉय। दुर्बाल, ये नहीं, ये है किम्स का ऑफिशियल स्टड बॉय आबिर बासु। तेरे बाबा का इतना बड़ा हॉस्पिटल और तेरी शक्ल कितनी अमीर है ना, तुझे ना अपने गुड कर्मा के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा लैब पार्टनर बन जा। व्हाट्स इट, पार्टनर विद मी। बाकी सब भी जस्ट सकअप करने के लिए है, बट मैं तुझे बहुत कुछ सिखाऊंगी। लैब पार्टनर बनेगी? रिक्वेस्ट वाली टोन नहीं सुनाई दी मुझे। नखरे क्या मार रही है? ऊपर क्या देख रही है तू? ओके, आई नो दैट स्माइल। हाँ, तू ये टैग्स दे रही है ना मुझे? यू कांट डू दैट, ओके? यू कांट ऑब्जेक्टिफाई मी। आई विल सू यू।
ठीक है, तू कर ले. वैसे भी MBBS पास करने के लिए सारे प्रैक्टिकल्स पास करने पड़ते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड अ लैब पार्टनर, जो तेरे पास है नहीं. हाउ सैड. नहीं, सेडिस्ट है ना तू. पुरानी आदत है, अब कुछ नहीं हो सकता. तो तुझे पता है ना, इवेंचुअली तू मेरी पार्टनर बनने वाली, तो फिर ये डैम, ये 500 फ़ारेनहाइट की केमिस्ट्री देख के तो इस बायोलॉजी लैब के स्केलेटन्स में भी लाइफ आ जाती होगी यार. बट रुको, ये स्टोरी आज की नहीं है. इन दोनों एटम बम्स के बीच में ये केमिकल रिएक्शन बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब वो दोनों टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स थे, अपना आबिर बासु एंड निवेदिता सरकार. तो जब आबिर 7 साल का था, तब निवेदिता उसके घर के बगल वाले घर में शिफ्ट हुई, और बेचारे आबिर को तो मालूम ही नहीं था कि एक रैंडम मासूम सी नो रूल्स फॉलोड वाली बास्केटबॉल की गेम उसकी लाइफ में कितने इश्यूज क्रिएट करने वाली है. उसके डैड डॉक्टर बासु ने तो अपना माइकल जॉर्डन देख लिया था दादा, और आबिर के ना उस दिन से ऑफिशियली लग गए थे. अब अगर आपके हस्बैंड को कोई बचा सकते हैं तो वो है सिर्फ डॉक्टर बासु. उस दिन निवेदिता को पहली बार डॉक्टर बासु में भगवान दिखे. ए, तुम ही हमारे चेले के हारिए छो ना, बास्केटबॉल चैंपियन, गुड गर्ल. और बस फिर क्या, निवी के छोटे से दिमाग में ये बड़ी सी क्वेश्चन परमानेंटली फीड हो गई. भगवान इक्वल्स टू डॉक्टर इक्वल्स टू डॉक्टर बासु. डॉक्टर बासु में निवी को मिला अपना मेंटर, और डॉक्टर बासु को निवी में अपना प्रोटेजे, और इन सब में लग गई बिचारे आबिर की. अभी बेटा सुनो. तो उस दिन एक लव स्टोरी शुरू हुई. भालो खेल चो. सॉरी, एक्चुअली 2 लव स्टोरी शुरू हुई. एक लव स्टोरी आबिर और निवे की, और दूसरी निवे और डॉक्टर बासु की. सर डॉक्टर बासु, थैंक यू वेरी मच फॉर द अमेजिंग कवर फोटो. आज आपकी पूरी फैमिली आई हुई है, ऑर्थोपीडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन, ये सारे डॉक्टर्स एक ही फैमिली से हैं, और आप इंडिया के बेस्ट कार्डियक सर्जन. आपका भी एक बेटा है ना, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है? Well, फिलहाल वो अपनी MBBS कर रहा है. आप गेस कर सकती हैं कि मेरा बेटा पढ़ा के क्या बनना चाहेगा. अब बाबा वो आ गया. क्या हो गया, कोई मर गया क्या? सब जने से ब्लैक एंड व्हाइट क्यों पहने? अरे आप है ना अंकल, मेरे को लगा आप ही निकल गए. अरे बट इज हियर ना. समझाना भाई, ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है. कुछ अलग लेवल का ही टॉर्चर है यार. हाँ यार, अलग लेवल का टॉर्चर है. लाइटर भी नहीं मिलता कभी कभी. भोसड़ी है तू क्या, पागल पागल है यहाँ पे? साला मॉक टेस्ट सुनकर मेरा मेरी फट रही, और तू एंचुल रोल बना रहा है, फूक रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने. ब्रो चिल मार, टाटा अंबानी को आलू प्याज की प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? तुझे मालूम है ना तेरा बाप कौन है? साले वही तो प्रॉब्लम है, गलती से अगर फेल भी हो गया ना तो नींद में हार्ट बीट रोक देंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि रीजन क्या था मेरे मरने का. जब भी अच्छा खासा मतलब फेलियर लूजर सा बाबा मिल जाता बेस्ट होता, मेरी लाइफ सेट थी यार. अबे ये भोसड़ी के पल्लव मर गया क्या? ए उठना, तू यहाँ है, तू आजाद के लिए तैयार है ना? नहीं यार, नहीं भाई यार, मुझसे आज नहीं होगा, कल करते हैं प्लीज यार. अभी तू हमेशा ऐसे ही करता है. आज जिद्दू मिलना है डॉक्टर बासु से. क्यों मिलना चाहती है निबे? उन्हें आराम करने दे यार. सैंपल मॉक टेस्ट चेक करवाना, वो भी सिर्फ उनसे. हैंग ऑन एक मिनट. सैंपल मॉक टेस्ट मतलब कि तूने मॉक टेस्ट का भी मॉक टेस्ट लिया है? तू तो देवी है निबे, जादू लेवल स्पेशल देवी. आ आ आ आ आ आ आ. एनीवेज ये रहा सॉल्व सैंपल मॉक टेस्ट, प्लीज एक बार पढ़ लेना जेटू को दिखाने से पहले. ओके यहाँ है तू. और एक मिनट और बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया. इसे खा ले. हाँ खा रही हूँ. एक से ज्यादा होशियारी मत मारी, रख. और ये क्या लगा हुआ है टी शर्ट पे? शी केचप नहीं है. हाँ कल रात चाइनीज था ना मेस में, तो सेजवान सॉस. मतलब तू कल रात से नहीं नहीं मतलब आई एम अ सीरियस मेडिकल स्टूडेंट. हम कपड़े वपड़े नहीं देखते, हम जान बचाते हैं. जस्ट फॉर मैक
अब यूनिसेक्स बन गया। By the way, सेजवान is sex on toes. ह्यूमैनिटी की तरफ से मैं तेरे लिटरली सॉरी फील करता हूँ। तेरे घर के अंदर तेरी कंपैरिजन इस साइको से होती है। तू अपने होम ग्राउंड में आउटसाइडर है ब्रो। सो फनी। शीज वन सॉज इज सेक्स ऑन टोस्ट ना। ग्रेवी के पीछे क्या है सब पता है मुझे। यू हैव सीन अ नेकेड छूती तूने कभी नहीं बताया। Fibroids, also known as leiomyomas, are benign smooth muscle tumors that occur in the uterus. Medical Council League study according in the last 20 years, 25% women under 40 have been getting fibroids. Their prognosis is different than a 40-year-old. मुझे ना यार से एक बार use होना है, कंधा वाला use. मैं चुप करना. देखना, आप सूर्य नमस्कार करती हो क्या? Life में बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बार इसे hookup चाहिए, सिर्फ एक बार. चांदनी और निशान और फिर चांदनी निशांत 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 आई डिडंट डू इट निशांत यस मैम हमारे लैब रैट्स का अटेंशन स्पैन भी तुमसे ज्यादा है बट एटलीस्ट कैन यू स्टॉप डिस्टर्बिंग द अदर्स एंड कैन यू स्टॉप गिविंग मी अ हार्ड ऑन मॉक टेस्ट होने वाला है और उसके बाद फाइनल्स ये डे ड्रीमिंग का टाइम नहीं है सॉरी मैम Read the remaining chapter. Told you na, yeah. There's a guy in our class. I don't lie. He's talking about tiling time and all that. I just don't lie. Venki, why do you even enter it? Why do you even enter it? I can't help it. They keep talking. Sorry, मुझसे नहीं हो पाएगा. यार मैं नहीं कर पाऊँगा. Wow. You really are an asshole. यो भोसड़ी के क्या कर रहे हैं? गिर जाएगा फोन. अरे नेटवर्क ही नहीं है भाईचोद. अबे तो क्या किस लिए चाहिए तुझे नेटवर्क? अरे वही रुचि का चूतिया पा. फिजूल की बातें. ए चुप. वही वही कि you don't have time for me. तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है. तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी. You don't love me. You don't miss me. हाँ भाईचोद शक्ति कपूर हो ना मैं कि 24 घंटे लगा रहूँ. 24 घंटे. मुझे एक तो समझ में नहीं आता ये मारवाड़ी लड़कियों को 12th के बाद हो क्या जाता है. मतलब हर में क्या बोर्ड सर्टिफिकेट. ऑल दे वांट इज अ मैरिज सर्टिफिकेट. यार बेकार की इनसिक्योरिटीज यार. आई मीन ब्रो लाइक सॉरी आई मीन आई टोटली डोंट फील यू. मत कर फील भाई और कभी फील मत करना. एक मुख्य एडवाइस देता हूँ. ये लड़कियां ना लड़कियां एक नंबर की विचित्र प्राणी होती है. ये रुचि भी पहले एकदम स्वीट एकदम अच्छी एकदम स्पेस गिविंग मतलब देवी. जब से लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हुआ ना फुल उल्टा मतलब चंडा लेखा. क्योंकि कब तक तेरे पास टाइम था. तू मेडिकल कॉलेज में तो समझा उसे. मुझे बड़ी पड़ी है. रुक मैं कॉल लग गया. कॉल लग गया. तू समझा तू समझा तू समझा. नहीं नहीं समझा ना. हाय मैं ठीक हूँ. कैच वो सॉरी यार कैच करना चाहिए था. देखो मैं क्या बोल रहा था कि यार आज सुना आज प्लीज नहीं होगा. आज फिर से तेरा स्टोरी टेलिंग सेशन है क्या? इसलिए मुझे ग्रेवी के नीचे क्या है जो भी तू बोल रहा था. अरे चले गए बेचा क्या है तेरे की. अच्छा ओके फाइन तो गलत क्या बोला मैंने. गलत क्या था? यू नो व्हाट यस लाइफ में मैंने कभी तेरे से ज्यादा इरिटेटिंग और एरोगेंट और बोल 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 आओ क्या लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमको लगता है कि वी आर लॉस्ट. तो हम रुकते हैं और सोचते हैं वेयर एम आई गोइंग. क्या मैं सही राह पर हूँ? पर फिर इससे पहले कि हमको कुछ समझ में आए और हम अपनी लाइफ की कोई डिसीजंस लें कोई ना कोई साला धक्का दे देता है और हम चलते रहते हैं उसी राह पर वेदर वी वॉन्टेड और नॉट. आबिर के साथ भी सेम स्टोरी चल रही थी. ही वॉन्टेड टू बी ए म्यूजिशियन पर उसके बाप ने उसके ब्रेन का होन बजा बजा के MBBS के रोड पे डाल दिया था. और कहते हैं ना नो मैटर वॉट आप कौन से रोड पे हो जस्ट चलते रहो. मे बी लाइफ आपको सही समय पे सही सिग्नल दिखाई देगी.
મારે એકટા પાર્સલ એસ છે ये तुमने सॉल्व किया है तो बताओ इस पेपर में 30 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था सॉरी अंकल थोड़ा लेट हो गया गो टू द स्टडी एंड वेट फॉर मी 30 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था बारीटा के तुम्ही वीकेंड गेटअवे बनी रखे छो घर को वीकेंड होटल बना के रखा हुआ है सारा टाइम घर के बाहर रहते हो हॉस्टल में रहते हो ये कहकर कि वहां पढ़ाई हो रही है बताओ 30 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था डिस्क्राइब द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिलीवरी इन द इवेंट ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन बाय नोकल कॉर्ड इतना सुंदर जवाब लिखा है तुमने सुंदर जवाब का प्रश्न ही नहीं पता आबिर तू ही कल के हॉस्टल जा भी तो तेरे कपड़े रेडी है बका चोदा योलो कल के नखु नहीं जाची कल जा ही रहे हो तो मेरे क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबियां टेबल पर रख के जाना वो भी अच्छा आबिर 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 तेरे कजिन आए हैं उनके साथ थोड़ा टाइम तो बिता ले टाइम बिता के क्या करूं ज्यादा और इंफीरियर फील करूं नहीं फ्राइडे नाइट फैमिली टाइम के नाम पे वो मेरी इंसल्ट करेंगे वो मुझे बहुत अच्छा लगे ये चाहते हो नहीं सुना योर ब्राइड यू जस्ट नीड टू फोकस अ बिट मुझे नहीं 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 पढ़ना है आई जस्ट डोंट वांट टू से आबिर अच्छा आबिर सुन तो एटा लिए जा विशु मैगी का क्या हुआ एड में तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं तू क्या सेक्स कर रहा है मैगी के साथ एड में ना वो आदिवासियों की तरह ऐसे प्रिमिटिव मेथड से नहीं बना रहे होते लली पेंदे अरे पेंदे यार मैगी में वैसे भी 2 लोग खा रहे थे एक मैगी में और ऊपर से तीसरा आ गया बंटवारा करने विशु ओ विशु बोल जला के देना यार भेंचो अगर किसी को इंसल्ट करना है तो फोन करके कर दो ना अभी इसको नहीं यार ये सबके सामने करने में अरे कुछ बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ पर हाँ सबके सामने इंसल्ट करने में बहुत सबको मजा आता है बाबा साहब पूरे वीक का फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते पता है इसमें इसका साथ कौन सुन इसमें उनका साथ कौन देती है नीबे जबकि उसको पता है कि बाबा को सेटिस्फेक्शन का पेशेंट को ट्रीट करके नहीं मिलता है मुझे ह्यूमिलेट करके मिलता है बट स्टिल वो अगर बाबा के सामने मुझे छोटा नहीं दिखाएगी तो उसका वो कैसे डाइजेस्ट करेगी कुछ बोल रहा हूं मैं वाह यार सब दिन मिलकर मेरी मार रहे यार एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट यार तू शिकायत क्यों कर रहा है निबे ने तेरा मॉक सॉल्व किया था ना तू अपने जीनियस डैड के पास पढ़ के नहीं गया तो इसमें तेरा फॉल्ट है निबे का फॉल्ट नहीं है ये बता दारू कहां है बस दारू दारू कहां है अरे बोलना अरे होगा उधर यार उधर नहीं देखा नहीं है अरे एंचोद सॉरी यार सॉरी यार तूने इसके लिए कंट्रीब्यूट अरे क्या पढ़ूं तुम लोग पढ़ने दे रहे हो क्या ये मैगी का पैसा भी नहीं दिया ए ए ए मैं बहुत प्यार करता हूं मैं तुम लोग से लेकिन अपना मेरे को पढ़ना है फोन आ गया यार बोले पूछी पूछी मालूम है अभी तुझे क्या बोलने की कहां है बेबी क्या कर रहा है बेबी चूतिया तेरी मां ए ए क्या हो गया इसे हे ब्रो आ जा ड्रॉप आउट है मेडिकल स्टूडेंट्स पर फिल्म बना ली मैंने देखी वो फिल्म तुझे तो मालूम है ना उसकी जो लीड एक्ट्रेस है ना निबे जैसी है आई मीन कंट्रोल फ्रीक साइको गंदी सी गंदे से बाल गंदे से कपड़े पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है एकदम निबे जैसी
चिट हो आपको सबके सामने आप ही रिक्वेस्ट से। But I know he didn't solve the paper. What do you want me to do? एक्टर शुपारी दिन। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि अबीर के लिए तुम्हारे दिल में क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर पर है। Don't forget at the end of the day, he's your competition. कभी-कभी सफलता पाने के लिए हमें कुछ कठोर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अगर तुम आबिर को सचमुच सुधारना चाहती हो तो उसे हर बार डिफेंड मत किया करो, उसे चुनौती दो, चैलेंज है। राइटर साहब, आपकी फैन फॉलोइंग। लड़कियां पागल है इसके पीछे। वो गार्ड ने बता दिया होगा कि मैं आया हूं यहां पे। हंस क्या रहे बच्चू? अगर किसी इंसान की भूख को मिटाना हो ना तो उसे एक मछली पकड़ा दो, वो खा लेगा और शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे ना तो जिंदगी भर के लिए उसकी भूख को मिटा दोगे। अगर आबिर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसे उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। निवेदिता, अगर तुम इसी तरह उसे बचाती रहोगी तो वो भी इसी तरह जिंदगी में भागता रहेगा। ने अपनी मूवी की हीरोइन नीवी को क्यों नहीं बना लिया? फिल्म बन गई है चूतिए, अब कैसे लेगा? बका चोदा! यार आर्ट एंड साइंस का एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ, अभी वो हमारे लिए खाना ड्रिंक सब लेकर आया, वी ओ हिम दैट मच टू। अक्षय है ना? अक्षय नीवी। मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन आबिर हैड अ बिगर फकिंग इशू, निवेदिता, और अपने रास्ते से कंपटीशन को हटाने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था कि उसे एक लव स्टोरी में फंसा दो। एक्चुअली लड़कियां बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है। हाँ हाँ, आई नो ये बहुत सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है, पर देखो ना, निबे उसे हेल्प कर रही थी और आबिर चूतिया अपने कॉम्पिटिशन को हटाने की प्लानिंग कर रहा था। और आबिर की यही बात मुझे बहुत पसंद है। He was an emotionless, competitive bastard. Especially when it came to winning. I mean, तुम भी उसके जैसे ही सोचते ना, अगर तुम्हारे डैड आबिर के डैड जैसे होते। मेडिकल साइंस ने कैंसर का इलाज भी ऑलमोस्ट कर ही लिया है, पर कंपटीशन के कीड़े का इलाज आज तक इन्वेंट नहीं हुआ है। ये कीड़ा दिमाग में घुस के नाक, कान और पता नहीं बॉडी के कौन कौन से छेद से निकलता है, खुद को सोने नहीं देता और दूसरे की नींद की गांड मार देता है। हाय। अच्छा सुन, कल चीठू गुस्सा थे मॉक टेस्ट के वजह से। आई एम सॉरी। No, I should be sorry. The great Basu family में मतलब मैं एक अकेला loser बेटा पैदा हो गया ना, I should be sorry. तो ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। I'm serious. मतलब बाबा के लिए मैं सिर्फ एक source of embarrassment हूँ। And Baba was right. Baba is always right actually. Wrong तो मैं हूँ ना? Wrong होने का मैं patent लेकर रखा हूँ। Shucks. Bad. ट्राई तक नहीं किया, ट्राई तो कर एटलीस्ट। क्या ट्राई करूं मैं? हाँ, क्या ट्राई करूं मैं इसमें? वही सेम ओल्ड स्टोरी होने वाली है। मैं एग्जाम में अच्छा नहीं करूंगा, बाबा मुझे ह्यूमिलेट करेंगे, एंड फिर क्या? कहाँ टाइम बचा है? मतलब कल मॉक टेस्ट है और बुक की साइज देख रही है तू? ये वाली तो नहीं, ये देख। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। ओके ओके, हाथ रख अपने पास, आइडिया, हम साथ में स्टडी करते हैं। क्यों सुसाइड मिशन पे जा रही है? मेरा बैड लक तुझ पे चढ़ जाएगा। आई डोंट वांट दैट बैक। यार तू ड्रामा नहीं कर प्लीज। कौन सी बड़ी बात है, हमने कितने बार साथ में स्टडी किया है। एक और रात कर लेंगे, ऑल नाइटर। पक्का? पक्का। तू कितनी भोली है। ओह गॉड, कितनी सुंदर है। सॉरी ये झूठ बोला। मेरी प्यारी नीवी, मेरी भोली नीवी, तू गा मत प्लीज। अजा मेरी बीच भवर में पर लगा दे। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। क्या? 9 PM। निवी अपने एग्जाम्स के गोल्स को ऐसे प्रेसिशन से अटैक कर रही थी कि स्कड मिसाइल्स भी हार मान ले। वॉर अनाउंस हो चुका था। आबिर को निवी के स्कड मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करना था,
वरना ए पलट ओके बाय ये ना मेरे को पागल कर देगी ये फेल करा देगी मारेगी मेरे को रीडिंग कार बेचने वाली भी ना एकदम इसका पागल कर देगी फेल कर रही है फोन उठाओ या बंद कर दे पेपर मिल गया अरे इसको पेपर की पड़ी है भाई चुत अरे उसकी जरूरत नहीं है यार मेरे को लेकिन पहले वो हमेशा समझते थे यार मैंने पहले भी एग्जाम्स दिए मैं और मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ अभी उसको पता नहीं क्या हो गया यार फक यार यू गाइस आर इम्पॉसिबल मैं जा रही रूम में पढ़ाई करने ये फक बोली ना ये फक आप कौन गाली दिया हाँ मेरी माँ गाली दी क्या अभी ठीक है गाली क्या दे रहा है मतलब चिल्ला क्यों रहा तू भी तो गाली दे के बोला ये चर्सी पढ़ रहे भी हे व्हाट्स अप बेब यू कम कल ना पक्का या आई विल Definitely. Thank you. Be on time. सुनिए 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 रुकिए 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 अरे रुकना यार ऐसे क्या इतना 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 क्या अरे इतना क्या यार तू तू सही से चल ना यार पाँव में पाँव डाल के चल रही है तू पांच मिनट का ब्रेक लेते तू जा तू चल कर मुझे चार मिनट मुझे एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है आउच फक बेंचोट फक इतना अट्रैक्शन तो दो मैग्नेट्स में भी नहीं होता है जितना इसके और इसके बुक्स में इसका और इसके बुक्स का ब्रेकअप कराने के लिए ना आई नीड अ बिगर मैग्नेट एन अट्रैक्टिव फोर्स चिक मैग्नेट अरे चूतिया को भी तो फोन करना पड़ेगा चूतिया फोन तो उठा हे अक्षय यार थोड़ा फकअप हो गया यार सो चेंज इन प्लान यार आज नहीं हो पाएगा कल मिले हाँ तो मैं तुझे टाइम और प्लेस मैसेज कर दूंगा हाँ ऑब्वियसली टेक्स्ट करूंगा हाँ ठीक है चल बाय चूतिया फ्री बैठा रहता है रोज आ जाता है सोच 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 अगर कल इसने मॉक टेस्ट पे फाड़ दिया तो बाबा मेरी फिर से फाड़ देंगे आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग सी आई टोल्ड यू 3.5 minutes एंड आई एम बैक आई एम वेरी गुड विद माय टाइमिंग्स तू सिंगल क्यों है ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है यार तू फोकस कर ना प्लीज चांदनी मैम ये नहीं पूछने वाली है चांदनी मैम क्या हुआ अब नहीं तूने उनका नाम लिया तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया काम करते हैं एक काम काम करते क्या जोक था यार यू आर नॉट गेटिंग इट वेट 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 मैंने कहा था ना लाइब्रेरी में आज रात वाइन पीएम 9 PM वाइन पीएम मैं वापस हॉस्टल जा रही अरे नहीं 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 सुन 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 चेस देख अब चेस पीने के बाद मतलब करने के बाद पीना पड़ता है उसके बाद स्टडी हाँ इन दोनों की केमिस्ट्री तो कमाल की थी पर इस केमिकल इक्वेशन कंपटीशन का एसिड सब कुछ जलाने वाला था अक्षय का डेट कैंसिल हो गया था अब वाइन पिला के टल्ली करने का स्ट्रेटेजी अपनाया गया कंपटीशन का कीड़ा काट चुका था दादा अब नीबे कोमा में जाएगी या खुद आवे ऑलराइट यू हैव 45 मिनट्स टू फिनिश योर टेस्ट एंड रिमेंबर There is negative marking for all the MCQs. So be careful. Good luck then. Your time starts now. नीबे कहाँ है? मतलब कल रात को तुम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे ना? हाँ. तुमने कुछ किया तो नहीं उसके साथ? I'm sorry, ma'am. Didn't expect you to be late. Come on, start your paper quickly. Okay, students, I need your attention for a minute, so please stop writing. This
is not a mock test. Bhai, subah subah ganja maar ke aaye kya ye? Ye mock test nahi hai. Jo students is test mein pass hote hain, sirf wahi students final exam ke liye baith sakte hain. Ye to cheating hai yaar. Hun bhi aan nahi hona mera. Hun bhi aan nahi hona. Aur jo student is test mein fail hoga, us student ko pura saal repeat karna hoga. No exceptions on this. Ye is institute ki reputation ka sawal hai. Carry on. ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग? नहीं, मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? उनसे क्या कहूंगा? नहीं, 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 अगर फेल हो गया तो वो घर से निकाल देंगे. नहीं, I have to do something. कुछ लिख, कुछ लिख, कुछ तो. मैंने मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है. मैं पापा को क्या बोलूंगा? नहीं, 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 नहीं. हम लोग सब यहाँ पर टेरेस में चिल कर रहे हैं. रूम में आजा फटाफट यार, अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने. मैं नहीं आ सकती हूँ. I said I'm sorry यार सुबह के लिए. अरे तू एक एंटिक पीस है जो अलार्म से भी पहले उठ जाती है. तो मैं अलार्म से उठ के निकल गया यार. मैं क्या करूँ? मैं बस यार I didn't follow up. ठीक है यार, I said I'm sorry. जानबूझ के थोड़ी किया है. काफी हार्टफेल्ट अपोलॉजी है वैसे. मैं जानबूझ के क्यों करूँगा निवी? मैं क्या कटप्पा हूँ क्या? तेरा बुरा चाहूंगा? नहीं ना यार, कम ऑन, जेन्युइन मिस्टेक थी. साला झूठा कहीं का. सीरियसली नहीं बे, मत फंस फिर से यार. मंजिलों की जो ख्वाहिशें कैद हैं, क्यों भटक रहा उन राहों पे, क्यों भटक रहा उन राहों पे. उन गलियों से जब गुजरा हूँ, दीवारों से टकराया हूँ. गिटार बजाता है. He's so right, yet so wrong. कभी on, तो कभी off. Repeat mode पे. शॉर्ट सर्किट तो होना ही था. सॉरी हूँ मैं. ओके, मेरी ड्रिंक कहाँ है फिर? ड्रिंक यार तू लास्ट टाइम माफ कर दियो. ओहो ना, तो हमेशा इन्हें गाना सुनाता है, मुझे कभी नहीं सुनाता है. खत्म नहीं हुआ. खत्म नहीं हुआ मतलब एक साल हो गया है. हाँ यार, मतलब कब से लिख रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ. सही लिरिक्स नहीं मिल रहा मुझे. आई नीड इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन करिए, मिला नहीं. कमाल है यार, जनता समझती कि हम प्योर एंड पायस है. यार हम भी इंसान है यार. व्हाइट कोट पहनते इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई डार्क साइड ही नहीं है. बिल्कुल एग्जैक्टली यार, वर्ल्ड शुड आल्सो नो दैट वी आर फक्ड. एग्जैक्टली लाइक वो क्या मूवी थी ना यार, वो कौन सी मूवी है अभी जो रिलीज हुई, हिट है यार एकदम. अरे कौन सी है ना, वो डॉक्टर के ऊपर. डियर डॉक्टर है ना. अच्छा तुझे पता है? देखना है मुझे यार. अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा है. ओहो बढ़िया, देख लेंगे क्या. यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तू मूवी के पास नहीं जा सकती, तो मूवी को तो मैं तेरे पास लेकर आ सकता हूँ ना. मतलब भाइयों, अरे यार मतलब देखो. व्हाट्स अप अक्षय, तू जा ना. तू जा. अक्षय निबे निबे अक्षय अरे नहीं, अरे तेरे आने से पहले अभी मूवी की बात कर रही थी. अच्छा ठीक है, अकेले में बात करनी ठीक है. आई नो अंडरस्टैंड एनीवेज. गला. ओ सॉरी, वो मतलब उठाने गया तो
हाय हाय मैं तो मर जाएगा मुझे क्या मिलेगा सो एक्चुअली हम तुम्हारे फिल्म के बारे में बात कर रहे थे रियली आई होप गुड स्टफ गुड स्टफ एक्चुअली अच्छा है तुम मुझे यहाँ मिल गई मैं तुम्हें मिलके थैंक यू बोलना चाहता था थैंक यू मुझे तुम मेरी फिल्म में हीरोइन हो सॉरी क्या मेरी फिल्म में जो लीड कैरेक्टर है वो तुमसे इंस्पायर ओके आई नेम्ड श्रुति शी इज आल्सो नेचुरली ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्टली आई हैवंट मेड दिस अप अगर ऐसा कोई है जिसे मैं जानता हूँ तो दैट्स यू थैंक यू दोनों के बीच में चल क्या रहा है व्हाट्स सो फनी लाइफ इज फनी कल क्या हो किसने जाना युड़ले पासु दादा कल तेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं आई होप कि सिचुएशन और खराब ना हो जाए तूने ही तो इंट्रोड्यूस करवाया था ना इन दोनों को है ना यू आर सच अ फकर पर कल तो रिजल्ट्स है उसमें क्या नया गेम खेलेगा तू विशेष बी माइनस अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हाँ ग्लैड यू अग्री विथ मी निवेदिता ए प्लस यू लुक सरप्राइज वेल ऑनेस्टली आई एम नॉट वेल डन थैंक यू मैम थैंक यू पल्लव सी माइनस तुम्हें डीन से मिलना होगा आई कांट एंड विल नॉट जस्टिफाई ओवर इट आई एम सॉरी अबीर आई सी यू बीन वर्किंग हार्ड दीस डेज हाँ मतलब कोशिश कर रहा हूँ आई होप यू कंटिन्यू टू डू सो ए माइनस बहनचोद फक नहीं शिट आई एम सॉरी माइंड योर टंग थैंक यू क्या कहूँ मैं तुमसे इट्स ओके आई डोंट लाइक टॉकिंग ईदर तुम्हारा टेंशन स्पैन इतना सा भी नहीं क्योंकि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बट समहाउ आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ यू डू इट ट्राई मी बस एक बार ए प्लस एज यूजुअल वेल डन निशांत थैंक यू मैम मेरा फोकस सिर्फ आप पे ही रहता है मेरा मतलब आपके सब्जेक्ट में वेल देन मेंटेन योर फोकस इसका क्रेडिट बिल्कुल आपको जाता है इस बार मैं 30 मार्क्स का वो अटेम्प्ट भी किया क्वेश्चन बताऊं क्या क्वेश्चन था मुझे बाय हार्ट है रिजल्ट आउट हो गए लेकिन निबे ने मुझे बताया ही नहीं हाँ वो थोड़ा बिजी रहने वाली है निबे बिजी टू टेल मी द रिजल्ट इट्स इम्पॉसिबल व्हाट इज शी बिजी विद एनीवे इन जनरल लड़की बड़ी हो रही है मैं क्या बोल रहा था कि वो जो क्रेडिट कार्ड एंड गाड़ी की चाबी है वो मां से लूं कि व्हाटएवर एंड बाबा ये जो ए माइनस है वो मैंने खुद के बलबूते पे स्कोर किया है निवी से हेल्प ले कर दी अरे निवे का रिजल्ट क्या है निवे यार आई एम प्राउड ऑफ यू लिपस्टिक यार मैं कुछ सेक्स करने नहीं जा रही हूँ उतनी डिसेंसी है मुझ में तो डीसेंट लड़कियां सेक्स नहीं करती हैं क्या कल रात उसके साथ बात कर रही थी कैजुअल था और अच्छा लड़का है आई थिंक तो उसने मुझे आस्क आउट किया तो मैंने हाँ बोल दिया तो बस नॉर्मल डेट है और कुछ नहीं वैसे भी एग्जाम में तो ए प्लस मिल गया है तो यहाँ भी ले ले अब देख ज्यादा डिसेंसी भी बोरिंग होती है ना मैं कोई बहन जी नहीं हूँ आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्स बट फर्स्ट डेट पे नहीं यार यार फर्स्ट हो या सेकंड क्या फर्क पड़ता है कर लो यार मतलब मैं नहीं छोड़ती किसी मौके को हाँ और फर्स्ट डेट में ही सारा एक्साइटमेंट खत्म करके आ जाती है और तुझे कभी भी सेकंड डेट के लिए कॉल नहीं आता मेरा वाला बंदा ना काफी क्यूट है मतलब क्रिएटिव सा है तो आई थिंक पेट में मिला बड़ा क्रिएटिव होगा यार अच्छा सुन मैं तेरा हाँ। पेट में दिया अरे क्या कर रही तू लिपस्टिक यार ज्यादा लग रहा है मुझे हाँ बहुत बहुत ज्यादा है क्या है तुम लोगों को यार
आबिर डेट के लिए पूछता नहीं है और अक्षय को मना नहीं कर सकती थी। लड़की ने लिपस्टिक लगा के आधा पोंछ भी डाला था, वो चली आधे डेट, आधा लिपस्टिक लगा के, बाकी आधा अब अक्षय के हवाले। हेलो, हाँ भैया कहाँ हो आप? जल्दी आ जाइए ना, कब से वेट कर रही हूँ। मैं अगली बार टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज 5 स्टार्स देना। अक्षय, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं पास में से निकल रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लेता हूँ। लाइक दैट वी गेट टू स्पेंड मोर टाइम। तो करो कैंसिल। क्या? तो मतलब मैं आ गया हूँ तो डेट तो कैंसिल हो नहीं सकती ना, टैक्सी कैंसिल करो। हॉप ऑन। हाँ, जस्ट बी केयरफुल। ऑलराइट, यू लुक प्रीटी। थैंक यू। Me. Never do that again. You don't want to piss me off. Yeah, nahi, bilkul bhi. And learn to be on time. Otherwise, mujhe tumhe punish karna padega. Wo actually kuch important kaam tha, so. Kaam tha ya kaam thi? Lagta hai multiple subjects mein interest hai tumhara. No, bilkul bhi nahi actually. In fact, you are the only and my favorite subject. अभी तुम्हारा पूरा पेपर ब्लैंक था। Do you have any idea? अगर किसी को पता चल जाता कि मैं तुम्हें इस तरीके से ग्रेड्स दे रही हूँ, you know how much trouble that would lead to. Listen to me, Abir Basu. Disappointing me comes with consequences. Disappointment का तो कोई चांस ही नहीं है। Really? Yeah. Then show me how good a student you are. मेडिकल कॉलेज एक पोटेंट कॉकटेल की तरह है ब्रो। थोड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा केओस, कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशर का एसिड, लीथल कंपटीशन का स्पाइक, रिजल्ट दिमाग की। गुड मॉर्निंग निवेदिता। गुड मॉर्निंग मैम। वेयर इज एवरीबॉडी एल्स? गुड मॉर्निंग। हाउ अबाउट सॉरी आई एम लेट मैम इंस्टेड? एक्चुअली मैम कल रात मैं लेट सोया। आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस स्पेशल असाइनमेंट। Get to work. भाई मैं बता रहा हूँ, इसे चाहिए, वो भी as soon as possible. नहीं तो जिस दिन इसे मिला ना, पूरे कैंपस में सुनामी आ जाएगी. अबे तू, तुम सारे slackers अपनी existence के लिए sorry क्यों feel नहीं करते हो? You guys are supposed to be here before me. Finals को सिर्फ कुछ ही दिन बचे. And look at your attitude. Nobody's come to me with any question, any doubt whatsoever. Upar se, sab log aise chal ke aa rahe hain as if it's some Sunday brunch party. Baba, ye lo senior ke file hai, aapke kaam aayegi. Thank you, dada. What? Bahut thake hue lag rahi hai tum. Kya hua raat mein? Kaafi action tha kya? Rough tha kya? क्या हुआ यार तुम्हें? प्लीज काम कर रही हो प्लीज। हाँ मैं बोर हो रही हूँ यार, और तेरी लाइफ में पहली बार कोई आया यार तेरे फूलों को पानी देने। बताओ ना क्या हुआ? एक ही होगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? कब से फोकस करने की कोशिश कर रही हो? एवरीबॉडी बैक टू वर्क।
take a break. अगर finals की anxiety काफी नहीं थी, कल निवे ने अपनी ज़िंदगी में एक alien concept discover किया था, dating. बहुत pressure bro. निवे क्या हुआ तुझे? Palpitation, anxiety, lack of sleep, irritability, already 4 mental disorders के symptoms दिखाई दे रहे हैं तुझमें. Zombie जैसी लग रही है. ऊपर से तूने निष्ठा को भी अपने zombie apocalypse का victim बना लिया ना? तू भी ना? अभी बस फाइनल्स को सिर्फ एक हफ्ता रह गया है. आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. एब्सोल्युटली. आई एम वर्किंग सो सो हार्ड. आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड सैटिस्फाइड एज ऑलवेज. पल्लव, अरे रुकिए मैडम. पल्लव प्रकाश पांडे, अंदर जाने की आपको परमिशन नहीं है. अरे मैडम, अरे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है. What is wrong with you? तुम एक हफ्ते से मुझे इग्नोर कर रहे हो. 200 से ज़्यादा मैसेजेस, 80 से ज़्यादा कॉल्स. मैडम, रजिस्टर में एंट्री तो कर दीजिए. पकड़िए, इसे पकड़िए एक सेकंड. पल्लव, अपने रिलेशनशिप में आई फील लाइक अ फकिंग स्टॉकर. आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली और हर रोज मुझे शादी के लिए प्रेशराइज किया जाता है. पल्लव, मैं कितना लड़ू उनसे यार, कितना बोलू उन्हें, तुम्हें सब पता है ना यार. तुम ही गायब हो जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगी. Stupid, right? नहीं रुचि, ऐसा कुछ नहीं है. Stupid, I'm clearly stupid, Pallav. चलिए. वे? क्या? क्या वो? अरे कुछ नहीं यार, वो जरा mock test में है, जरा वो थोड़ा. But so what? You're just dating her, भाई. मतलब सबके सामने ऐसे embarrass करना, humiliate करना, justification नहीं है इसका कुछ. And so, man to man advice. हर relationship में ना एक line draw करना बहुत important है. One arm distance. Can we talk? Please? Can we? Please. I'm sorry. ठीक है. तूने अगर कुछ किया भी उसके साथ तो क्या हो गया? यार तुझे पता है कि मैं वो टाइप की लड़की नहीं हूँ जो फर्स्ट डेट पे कुछ कर लेगी और फिर भी तो हमेशा बुझती है. आई नो, आई एम सॉरी, बट यू नो राइट, आई एम देयर फॉर यू व्हेनेवर यू नीड मी, है ना? ओके, एक सेकंड रुक. हाँ, किसका है? ओ, आई डिडंट वांट टू सी. मैंने फिर देख लिया, सॉरी. बट माय पॉइंट इज, इसने कुछ किया है क्या तेरे साथ? कुछ नहीं. प्रॉब्लम है? बिल्कुल पक्का? पक्का. इफ यू नीड माय हेल्प. नहीं, मैं बता दूंगी. नहीं, पक्का? बाय बाय रूमी, सी यू. अबे ये तो बहुत लगी है मुझे, पहले करने तो दे. अबे वो तो रोज करता है. हाय, आई नो दैट लुक. व्हाट लुक? बहुत चीजी फिल्मी. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सब कॉलेज में कैसे? चल दी अपनी पढ़ाई नहीं की तो क्या? See, I would suggest don't encourage me. I live for things like this. बाद में मत बोलना when you realize you're stuck with a hopeless romantic. अक्षय, कल रात बहुत अमेजिंग था. और तुम भी बहुत क्यूट हो. लेकिन I don't want to jump into something जो मैं फुलफिल नहीं कर सकती हूँ. You know? और तुम्हें तो पता है MBBS में कैसे होता है. चिल, हम शादी नहीं कर रहे. और आई यू सजेस्टिंग समथिंग? नो. टॉकिंग अबाउट प्रेशर, मैंने पहले साल में कॉलेज छोड़ दिया था, सो आई अंडरस्टैंड प्रेशर. यार ये या तो ये महल अमेजिंग है, या तो नेवे को मैंने अभी स्माइल करते हुए देखा, वो भी लड़के के सामने. वो के देख 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 नहीं देख ना, सच में वो ब्लश कर रही है. अरे चीटी, तूने मेरा सेटिंग क्यों नहीं कराया उसके साथ? मर्सिडीज में ना मारुति का इंजन नहीं लगता है, समझा? और तू कहाँ वो कहाँ, तू समझ रहा है? कभी अपने आप को तूने सूंघा है? साला हक करने के लिए हाथ फैलाएगा तो गिर भी जाएगी, मर जाएगी वो. You want to drink something? Yeah. Wow, you smell really good. Really? Yeah. Thank you. और मैं दो दिन से नहीं आई हूँ. I'm okay.
Actually, do me a favor. जब भी तुम मुझे मिलो, नहा के मत आना. Since you like my smell so much, you can hug me. Fuck shit. Sorry. I have to go. I'm sorry. अभी? हाँ, sorry. Thank you. मुझे लगता है ना उसने बात दिया होगा. नहीं नहीं ऐसा लगता है ना कि उसका छोटा होगा और इसे मालूम चल गया होगा. नहीं 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 वेट 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 सुन 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 निभे का है ना टेस्टी नहीं है लड़के समझ रहा है ना आई मीन समझ रहा है तू तुझे तो पता होगा ना तुझे बता बता अरे फकीरा निभे का अरे नहीं समझ में आ रहा है तो तू भलता ही कुछ बोल रहा है यार बात दिया होगा ये हो गया तू चली गई होगी वो कौन है बता एक एक बता ना एक बना ना ठीक है हाँ बिल्कुल यार तभी बोल रहा हूँ याद है कहानी की शुरुआत में मैंने आपको एक छोटा सा वर्ड बताया था आयरनी या दैट्स लाइक द मिडिल नेम ऑफ ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स हम दिन रात ट्रेन होते हैं ह्यूमन बॉडी के एक्सपर्ट्स बनने के लिए लेकिन आयरनिकली ये प्रोसेस में सबसे पहले जिस बॉडी की बैंड बचती है वो हमारी अपनी होती है वो कहते हैं ना चैरिटी ट्रूली बिगिंस एट होम Sorry. I think I told you clearly. कि जब तक तुम यहाँ हो, I'm the only thing your hands or mind should be occupied with. Yeah. तुम दोनों डेट कर रहे हो? नहीं नहीं no नहीं. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कंपटीशन है. The only feeling I have for her is hate. I don't think we'll ever date. I mean, that rhymed. So, हम सिर्फ दोस्त हैं. Friends है जब से we were sperms. वैसे भी तुम्हारे लेवल की नहीं है. Just look at her, all nerdy and all geeky. आँतों में हमेशा books. And look at you. तुम्हारे आँतों में जादू है. Yeah. Ah, I love the way you work me up. Ah. Sorry. कौन? ले लो. Take it. Yeah. Actually, वो निभे का टू बी बॉयफ्रेंड सो हेलो अक्षय यार मैं बिजी आई कांट टॉक यार हाँ यार मुझे क्या पता वो कहाँ पर है यार अब वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड बी नो किसको बुलाया क्यों नहीं? हर डॉक्टर को पता है कि सेहत बहुत जरूरी है पर उनको कौन बताएगा कि उनका हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है निभे और आबिर कुछ अलग अलग चीजें सीख रहे थे उनकी एक अजीब सी स्टोरी थी और अगर स्टोरी है तो राइटर तो अपना नाक जरूर डालेगा निभे देता सरकार या पास बैग हाय अक्षय सिट 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 बैग रिलैक्स Thank you. How are you? Fine. मुझे अपना परफ्यूम चेंज करना पड़ेगा तुम फेंट हो गई यार It's okay, don't worry. मैं आ गया हूँ मैं यहाँ रहूंगा मैं कहीं नहीं जाने वाला नो 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 मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ अभी मैं तो सोने वाली हूँ और तुम तो बोर हो जाओगे कि यहाँ कोई मतलब सोफा या कुछ भी नहीं है That's okay, प्राइवेट रूम ले लेंगे नहीं 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 रीजन कुछ और है ना कम ऑन यू कैन टेल मी आई एम कमिंग ओके तो टैम्पॉन्स या सैनिटरी पैड्स कुछ लेके आए नहीं 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 तो फिर
अक्षय अक्षय मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे बहुत सारे इंटीमेसी इश्यूज हैं और कोई लड़का मेरे पास आता है तो आई एम अ वर्जिन. God, you're so adorable. I knew तुम हंसोगे इसलिए मैं नहीं बता रही थी, मैं अगली फिल्म में भी डाल देना ये. Okay, see, hear this out. I really like you. मेरे ख्याल से मैंने काफी obvious भी कर दिया है. शक्ल पे दिखता है क्या? मैं कोई sex hungry teenager नहीं. So as I said, no expectations. We'll cross the bridge when we get there. अभी ठीक बोल रहा हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. आबिद ने कहा. ओके, सो डू यू नीड समथिंग, सम आज तक निवेदिता बासु जो कल आखिरी बार लाइब्रेरी के बाहर दिखाई दी थी फाइनली अपने रूम में वापस जा रही है. सो द नेशन वांट्स टू नो कि स्कूलर निवे ने प्रोफेसर अक्षय से इस ओनेट क्लासेस में क्या सीखा. यस, अगर तू और थोड़ा लेट आती हम तो मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने वाले थे कि अबला नारी खो गई आफ्टर फर्स्ट डेट विद अ राइटर. हाय, समझ रही ए, मुझे ये क्या हुआ? Don't pretend like you care, हाँ? ए, पूछ रहा हूँ ना, ओरिया क्या कर रही है? बताना क्या हो? Seriously, हम दोनों तेरे बारे में बहुत टेंशन ले रहे थे. Exactly. हाँ, इसलिए तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया ना कल रात को, ना ही मुझे कॉल बैक किया. कंसर्न वो तुम दोनों के लिए ना सब कुछ एक बहुत बड़ा जोक है, इंक्लूडिंग मी. अगर सचमुच में आई गो मिसिंग ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. कंसर्न, और ये जो तुम्हारा सीक्रेट बॉय टॉक होता है ना, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है. ये जो तेरा दोस्त है ना, जिसे लगता है कि सारी दुनिया की लड़कियां उसे देखकर ही पिघल जाती हैं, ही हैज सीन माय बूब्स जब मेरे थे भी नहीं. वी वर 5 years old. लाइट बंद करना. खुद तो 1 night or 2 days का पैकेज एंजॉय करके आई है हॉस्पिटल में, मुझे तो सोने दे. वही तो यार, पूरी रात सो रही थी, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया. आई हैव टू स्टडी. तेरा बीपी क्रैश हुआ था, बीपी पागल. दिवे यार, दरवाजा खोल ना यार. प्लीज यार, एक बार मुझे 2 घंटे से मच्छर मार रहा है. पक्का डेंगू होगा, उसे लेके जाएगी हॉस्पिटल. नहीं ना, खोल देना. आबिर और निबे का रिलेशन एक छोटी सी विंटेज कार जैसा था, सालों पुराना था, लेकिन आज भी उसका एक अपना चार्म था. इट हैड सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम. क्यूट था, नॉस्टैल्जिक था, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट सच्चाई ये है कि एंटिक कार्स को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है दादा. अब ऐसा लग रहा था जैसे समय आ चुका है बदलाव का, क्योंकि ये विंटेज कार जो है वो दोनों को पागल कर रही थी. तो क्या सच में ये दोनों पागल हो रहे थे? निवे यार, सॉरी यार, मैं तेरा फोन उठाना चाहिए था. सो यार, तूने मुझे 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है लाइफ में, एक फोन कॉल में क्या है? कम ऑन निवे यार, मतलब यार वो 9th grade में था यार, चलना. Can you imagine मुझे कैसे लगा जब I found out कि जिस लड़के ने मुझे 2 बार reject किया है वही लड़का मुझे कोई और लड़के के साथ setup कर रहा है. यार तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, मतलब ऐसा क्यों बोल रही है? I mean मैं गुस्सा नहीं थी जब पता चला तो थी, but अभी मैं नहीं हूँ. Actually, I'm fine. Really? Yeah. You know, कल रात जब मैं हॉस्पिटल में अकेली थी तो मुझे एक एहसास हुआ. कल रात जब वो हॉस्पिटल आया था ना और उसने बोला कि वो पूरी रात मेरे साथ ही रहेगा, तो आई वाज व्हाट? एक सेकंड, तुमने तुम दोनों साथ में थे पूरी रात? हाँ यार, हम सोए ही नहीं. व्हाट? या यू ऑल डिडंट स्लीप? Not like that, यार अभी बातें कर रहे थे हम. ऐसे में इतने बातें की कि हमारे बीच में कंफर्ट जोन बन गया. लाइक मैंने उसे ये भी बता दिया कि आई एम अ वर्जिन और
he was cool. मतलब बिल्कुल ही अजीब नहीं लगा. It was fine. तो yeah. Actually, फिर मैं सोच रही थी कि शायद शायद he's the one for my first time. You know? Anyways, thank you. ये सब तेरी वजह से तो हो रहा है. अक्षय चल मैं तुझे बाद में मिलती हूँ. सो जा तू. शायद आबिर वाज एक्सपेक्टिंग कि उसकी और निबे की विंटेज कार का एट द मोस्ट मेकओवर होगा, बट वो चलती रही. कार का मेकओवर भी हुआ, चल भी रही है, लेकिन आबिर बेचारा रोड पर अपना सामान लेके अकेला खड़ा हुआ था. सिर्फ एक ही चीज बदली थी दादा, निबे का को पैसेंजर. गुड मॉर्निंग जेठू. कोलकाता टाइम के फ्रंट पेज पे न्यूज क्या है जानती हो? निवेदिता सरकार फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम केम्स हैज एक्टेड रेकलेसली एंड केयरलेसली. जेठू सॉरी मुझे बीपी 90/60 हाइपरटेंशन डिजीनेस डिलीरियम. निवेदिता सरकार तुम ही जानो ओटाके? जेठू एक्चुअली तुमने बताया भी नहीं मुझे. वेदांतो ने बताया सर. जेठू अमी शोती बोलची, मैंने तो चार अंडा का ऑमलेट भी खाया था सुबह को प्रोटीन के लिए. आई थिंक कुछ रिएक्शन शायद हो गया था यार. खाना पीना सब ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी रेस्ट होता है. यू हैव टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड दैट इज योर होमवर्क. डू यू अंडरस्टैंड? और जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगी नो मोर क्लासेस फॉर यू. बैक एक थोड़ा सा. आई एम सॉरी यार, वो मैं शायद सोते हुए थोड़ी ज्यादा जगह ले लेती हूँ. आई प्रॉमिस आज कोई चीप होटल देख के वहां शिफ्ट हो जाऊंगी. अरे चिल यार चिल. क्या चिल? तेरे को इतना तो रियलाइज हो गया था ना कि एक्स्ट्रा मैट्रेस मंगवा सकते हैं. छिल गई है ये. रात भर दो बार गिरी हूँ मैं. आई एम सॉरी कल रात को लेट हो गया था सो आई कुडंट. अब आ गई है तो बता क्यों आई है. तुम लोग को लग रहा होगा कि पल्लव की साइको गर्लफ्रेंड ऐसे रैंडमली पहले कॉलेज आ गई. और प्लीज़ एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो. अगर तुम लोगों का बॉयफ्रेंड तुम्हारे फ़ोन या मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करेगा तो तुम क्या करोगे? पल्लव एक मेडिकल स्टूडेंट है रुचि, उसके एग्जाम्स हैं अगले हफ्ते. अब तेरी बात करता रहेगा क्या? कोई भी एग्जाम्स ना ये टट्टी बिहेवियर जस्टिफाई नहीं करते. मतलब एग्जाम्स है तो क्या, खाता पीता हकता नहीं है वो? यार मैं उससे मतलब इतने सालों से इतना प्यार करती हूँ, दो मिनट तो डिजर्व करती हूँ ना मैं. तू उसकी प्रायोरिटी नहीं है, वो होगा तेरा बट नहीं है भाई. तू प्रायोरिटी समझती क्यों नहीं है? हाँ गलती तो सब मेरी है ना. तुम्हारा दोस्त तो गलत हो ही नहीं सकता. तुझे आइडिया भी है मेरे घर के सामने वाला पंकज? तीन बार मना किया मैंने उसे, तीन बार, पर अभी भी मुझे इतनी अटेंशन देता जितने मेरे सगे पेरेंट्स नहीं देते. पॉइंट क्या? पॉइंट ये है कि लोग सही कहते हैं, हैप्पी लाइफ के लिए ना उसके साथ होना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, ना कि वो जिससे तुम प्यार करो. और जब इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी तो प्यार शायद हो ही जाता होगा. अगर मेडिकल स्टूडेंट बनके डॉक्टर बनने में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ता है तो कुछ और बन जाओ, बिजनेस स्टार्ट कर लो, इंजीनियर बन जाओ, कोई कुछ भी कर लो यार. मतलब अल्टीमेट मोटिव तो पैसे कमाना ही है ना यार. सबके लिए रुचि, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी. हम जान बचाते हैं. इस प्रोफेशन में एक यूनिक रिस्पेक्ट है और वो ना प्राइसलेस होती है. क्या तब से मैं समझा रही थी तब समझ नहीं आया? उसने एक लाइन बोली और तू मान गई? अबे चल नकली, बैठ ही रह तू यहाँ पे. ए भाई हो गया क्या तेरा? हाँ आऊँ पक्का. हाँ ना है तू नहीं गई ना? हाँ गई. क्या यार कुछ थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक लगा है, थोड़ा स्पीकर यार बाहर तक आवाज आ रहा था. सॉरी यार रिमोट नहीं मिल रहा था. रिमोट ठीक है, वो
माइक्रो का पार्ट 2 देखा क्या? देखा क्या ए? पल्लव थके रुचि तुम बॉयज हॉस्टल में क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। देखो रुचि बाद में बात करें। नो पल्लव या बुक्स कैन वेट। बोलो रुचि शाह बोलो। देखो देखो तुम कैसे बिहेव करते हो। कैसे बिहेव करूं और तुम कितना स्ट्रेस देती हो। जब देखो तब शादी शादी शादी। मुझे क्या कम स्ट्रेस है ऑलरेडी? ये पढ़ाई का स्ट्रेस है, तुम्हारे सवाल। जब तुम्हें मेरे सवालों से इतनी प्रॉब्लम है तुम एक बार जवाब क्यों नहीं दे देते हो? बता दो ना तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मुझे भी पागल बना के रखा है। थ्रोम्बोसिस चल रहा है मेरे दिमाग में। मतलब पता है इसका? नहीं ना। ऐसे और कितने मेडिकल कंडीशंस के बारे में मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिनट रुको, ये देखो सारी दवाई दिख रही है। दवाई दिख रही है। 3 दिन से मुझे इनर थाइज में रैशेस हो गए। खुजली कर रहा हूँ मैं। अंदर अंदर इधर देखो देखो खोल के दिखाओ मैं। और तुम कहती हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हो गया तुम्हारा आई मी माइसेल्फ मेरी प्रॉब्लम्स। इन सब में मैं कहाँ हूँ पल्लव? तुम्हें पता है ना एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ मैं। यार मेरे यहाँ डेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कितना लड़ू मैं सबसे। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता पल्लव, कुछ भी नहीं सिवाय अपने। पल्लव सच तो ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं है। फक गेटिंग अ रोका पल्लव। तुम तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं देते हो ना। और अब क्यों दोगे? मिल गया ना तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें। अब मैं कौन हूं? देखो रुचि मेरे पास ना इस मेलोड्रामा का भी टाइम नहीं। मुझे अभी जाना है, मुझे पढ़ना है। सॉरी। भटक रहा क्यों भटक मंजिलों की जो ख्वाहिश कैद है क्यों भटक रहा इंसान हूं। ठीक है चिल कर अक्षय के साथ बट प्लीज मुझे क्यों इग्नोर कर रही है? आबिर नीचे है शो। आशी हो गया। I'm not taking offer and answer you coming with me। अक्षय नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ यार। डिस्टर्बेंस हो जाएगा बहुत ही अननेसेसरी है। एक सेकंड। क्लीन हाउस स्टॉक्ड फ्रिज कंफर्टेबल काउच रामू काका की सर्विस ये सब मिलेगी मेरे घर पे तुम्हारे हॉस्टल में नहीं मिलेगी। यू रियलाइज राइट नाउ यू नीड टू बी पीसफुल एंड बी पैम्पर्ड। और किसको डिस्टर्ब करोगी? मैं अकेला रहता हूँ। या नो मे बी व्हाट व्हाट्स योर वेट? मतलब हाउ रूड? आई नो थोड़ा रूड है बट अपना वेट बता के मुझे वार्न कर दो बिकॉज़ इन अ मिनट आई एम गोना पिक यू अप एंड टेक यू। तो मुझे उठा नहीं पाओगे? रियली चैलेंज देख तो नहीं रहा। उठा सकता हूँ मैं वैसे। ओके 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 वेलकम है। ओके 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 बैग लेकर आ जाओ। ओके ओके सी यू। ओके अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तब से चिल्ला रहा हूँ। बाबा ने ऑर्डर दिया है कि तुझे वीकेंड पे घर लेकर आऊं, तुझे रेस्ट करना है एंड वो हमें क्वेश्चंस देंगे फॉर फाइनल एग्जाम्स। ओह फ्रीक नहीं चाहिए पानी। जीटू फक। हे क्या बोला तूने? यू सेड जीटू फक। बाबा है वो मेरे। ऐसे नहीं यार अबीर। एक सेकंड कैसे गंदे थॉट। सुन ना सुन ना मैक्सी ना अक्षय के घर जा रही हूँ वीकेंड के लिए। बका चोदा।
अक्षय. अक्षय. But why? मतलब I just mean like why? I know ये why का question मुझे इतना nervous कर रहा है ना तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ. मतलब कुछ करूँ मैं या नहीं करूँ या इतना बड़ा study मुझे कोई tip देना 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 मेरे पेट में ना butterflies zumba कर रहे हैं. Butterflies zumba कर रहे हैं. Anyways तू कर लेना चीटू handle. एक weekend की तो बात है. बचपन से आबिर की रेलगाड़ी में निबे का ही पहिया लगा हुआ था पर कंपटीशन के चक्कर में आबिर ने तो खुद की ही ले ली थी. अब उसका पहिया दूसरे ट्रैक पे चलने लगा था और वो खड़ा था दो पटरियों के बीच में पाँव फैलाए. गाइस यार मेजर लेवल का फकअप हो गया. हमने जो निबे के साथ किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है. हमने क्या कर दिया अब? अबे छुती पागल हो गया कि हंस रहा है? कुछ बोल रहा हूं यहां पर. सुपर कॉमेडी चल रहा है ब्रो. स्टैंड अप कॉमेडी. इट्स सिक. आना देख रहा. सिक. इट्स सिक ब्रो. पे ब्रो यू आर सिक. कुछ उधर पेट से भी नाराज है वो. मुझसे क्यों नाराज है? पल्लव का बाप. ए भैंचोद मेरे बाप ने क्या किया? अरे यार रुक रे भोसड़ी. निबे निबे नाराज है. उसमें कौन सी नई बात है? वो तो कॉलेज के फर्स्ट डे से एस्टैब्लिश हो गया था. पे भैंचोद वापस बोल रहा तुम लोग सबको समझा? ध्यान से सुनना. हमें निबे को वापस लेकर आना है उस चूतिया अक्षय के घर से. समझ रहे हैं? ओके मतलब कि वो वन नाइट टू डेज का वैकेशन अक्षय के घर पर था. पर इसमें हम कहां से आए? समझ में नहीं आ रहा. निबे को लेकर विशेष दादा. हाँ क्या हुआ? लो विशेष का बूटी कॉल आ गया. आपके कपड़े. हाँ थैंक यू. ये क्या चूतियापा है? ये चूतियापा क्या है? ए विशेष ये तू मिस्ट्री यार सॉल्व ही कर दे. क्या है ये लोग तेरे को दामाद जैसा क्यों ट्रीटमेंट करते हैं यार? फिर वही सवाल यार. मैं सबसे अच्छे से बिहेव करता हूँ. मैं स्वीट हूँ तो स्वीट हूँ. अच्छा तो स्वीट है ना? स्वीट है ना? इधर चल. अबे क्या तू अच्छा है ना? चल अभी के साथ चल. निबे करता है यार. चल 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 निबे को लेकर आने. बोला ना रुक मत. चल ओके तो तुम ब्रेक ले ही रही हो तो कुछ देखते हैं. इंडिसेंट प्रपोजल फिल्म. Adult film है ना वो. मुझे यहाँ को बच्चा नजर नहीं आ रहा है. Okay, okay. Yeah? Yeah. Okay. Okay. Maybe I'm ready. Fuck, fuck. इतना direct. Uncomfortable कर दिया ना उसे. Now get it back to normal, you idiot. You're good, right? Yeah. Yeah? Yeah, yeah. Good. Yeah. Wait. Okay. एक second. थोड़ा सा मैं possessive हूँ उसके बारे में. So not this blanket, sorry. I guess too. तुम्हारी duty है to make me feel comfortable. यार ये blanket है. Get another one. ये नहीं. इतनी बड़ी blanket है. You can share. विशेष बोका चोदा. आबिर मावड़ अच्छे. सुन तू टैक्सी में जाना. और कोई ऑप्शन है मेरे पास? तभी बोल रहा हूँ जाना. वो क्या है? नहीं बैठना है तेरे साथ. ड्राइवर हो गया? What the fuck? What the fuck? तेरा प्रॉब्लम क्या है? अच्छा. I know जेठू मुझे बुला रहे बट अंदर इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? I can't believe it. मैं रूड था? हाँ. तूने अपने आप को देखा? What were you doing? What was I doing? Oh, इतना ना innocent बनने की कोशिश मत किया कर. ठीक है? ये all it took was like two dates. What the fuck? Yeah, exactly. तुझे amnesia हो गया क्या? तूने मुझे उसके साथ सेटअप किया था. Please, मैंने कोई सेटअप वेटअप नहीं किया था. मैंने बस तेरी हेल्प की है. हेल्प? हाँ हेल्प. तेरा ये नोबल एक्ट के पीछे का रियल रीजन ना मुझे पता है तो प्लीज ये तेरा मॉरल एक्ट अपने पास ही रख. तू है ना मुझसे बात कर. ढंग से बात कर. करूंगी बात. जस्ट योर लैंग्वेज. आई एम सॉरी इट्स बिकॉज़ ऑफ हिम. यू नो व्हाट
अक्षय एक अच्छा लड़का है प्लीज और थैंक यू फॉर सेटिंग अस अप बट तुझे कोई हक नहीं बनता है हमें जज करने का सुन 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 जरा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर ओके ये मत एक्ट कर कि तुझे सब कुछ पता है बाबा ने तुझे बुलाया मैंने नहीं ठीक है अगर वो डिसओबे करना है तो उन्हें कर एक काम करना जा 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 उसके पास जीतू के लिए आ रही हूँ छोड़ ना मुझे मैं जा रहा हूँ ना जा मुझे लगता नहीं इस पंखे को बुरा लगता होगा सारा दिन लटकता रहता है घूमता रहता है कुछ के सामने देखता भी नहीं है ये एक वेरी नाइस है गाइस बहुत कुछ पढ़ना है चूती है तू क्या इधर से पड़ा हुआ है बहुत कुछ पढ़ना है भाई वीकेंड वेस्ट हो गया चल 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 ये दारू उसकी है इसे तू बीच सड़क पे छोड़ के आया था नहीं बस बता रहा हूँ तू पी सकता है एग्जैक्टली पेश पहले की किटी पार्टी कहीं और करेंगे तुम लोग कहीं और जाके करो अरे रुकना पढ़ना यार कितना बोलता है तू ब्रो इस किटी पार्टी में तो किटी तू ही है वेरी फनी पांचो ये कौन है कौन है इतनी रात को पांचो जाना भाई ओपन अप बॉयज जल्दी जल्दी अरे तेरी माँ का गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग looks like everything's been happening except studies, huh? I know you don't like birthdays. But tumhari mom ka itna haq to banta hai na tum par. Boka chota! Happy birthday, baby. Mom. Mom, aapko to pata hai, mujhe ye sab pasand nahi hai. सॉरी दैट विशेष इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था कॉलेज में वो अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी मॉम को इग्नोर करता था एंड द फैक्ट इज दैट आई डोंट लाइक बीइंग विद मॉम Enjoy. Thank you, ma'am. Welcome. Bankar, bhaga. Bhaga, chod. Mom, बर्थडे भाई आज तो छोड़ दे डांस नहीं मार रहा बर्थडे इसमें डांस नहीं मार रहा अब पता चला कि सारे कॉलेज वाले इसकी क्यों चाहते भाई जब बताया नहीं इसलिए नहीं बता रहा था इसलिए मैंने इसे एक सीक्रेट की तरह रखा था लेकिन ये तो वो एकदम ब्रदर्स की स्टोरी जैसा हो गया ना माय बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर आहा अब आबिर को पता चला कि गान लगने का असली मतलब क्या होता है टॉक टिक टॉक ब्रो गिल्ट ट्रिप एक ऐसा कुत्ता टाइप का इनविजिबल टाइम बॉम्ब है जो तुम्हारी एस के नीचे इनेविटेबली चिपका ही रहता है एंड द थिंग अबाउट बॉम्ब्स इज नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई लेकिन दे ब्लास्ट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम टू हे आबिर इट्स ओके सबके साथ होता है फकअप टेंशन ना ले अरे क्या बर्थडे यार इतना बड़ा घोड़ा हो गया है बच्चा है क्या वो बर्थडे बनाने को तुम लोग बनाओ मैं जा रहा हूँ तो पुच्ची से बात कर जाके जा अच्छा निबे सब कुछ समझ में आता है पर एक बात समझ में नहीं आती यार इतनी हॉट फैक्ट्री में से ये एक्सपायरी डेट वाली प्रोडक्ट कैसे आ सकती है देखना मतलब यार कुछ तो गलत ओके गाइस बहुत ड्रामा हो गया मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि सॉरी यार कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि सानिया मेरी माँ है पर यकीन करो मेरा इट्स नॉट इजी विशेष चिल हम सब दोस्त हैं तुझे जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है और हमें भी माफ कर दे कभी कभी मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लासरूम में तेरी मॉम के बारे में कुछ ना कुछ वाहियत बातें मेरी गलती नहीं है वो मैं जानता हूँ यार मेरी मॉम को हो जाता है उनका कभी कभी चल एनीवेज हैप्पी बर्थडे यार थैंक्स हैप्पी बर्थडे चलो बाद में मिलती हूँ बाय दिखा रहा है तो प्रॉपर दिखा ना लॉली अरे दिखा रहा मैं भी तो देखूं बायोलॉजी टीचर का बेटा क्या छिपा रहा दिखा ना अंदर एनाकोंडा तेरे को बता रहा हूँ दिखा रहा पर फिर भी अरे क्या कर रहा है एक्सक्यूज मैं अपने पल्लव को देखा है नहीं आपने पल्लव को देखा है क्या नहीं यहाँ भी आ गई यार रुचि यार और सही नहीं होता मुझसे यार
जूनियर्स के सामने बुली, इसके सामने बिल्ली, ऐसा क्यों? मुझे पता है ना यार, डॉक्टर राहुल की ओपीडी है ना आज, वो प्लास्टिक सर्जन। मैं एक काम करता हूँ, मेरे चेहरे का ना प्लास्टिक सर्जरी करा देता हूँ, खेल ही खत्म यार, मुझे उसी की जरूरत लगता है। मुझे ना नई गर्लफ्रेंड की जरूरत है, तुम्हारा सीन शॉर्ट कर वो ये यारी। बाबा तो मैं बाहर तू जा रहा है? कहाँ से तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। पर क्यों ढूंढ रही हो रुचि? हमारी बात हो गई ना, हो गया ना सब क्लियर यार। देखो मुझे पढ़ना है, मुझे प्लीज पढ़ने दो, मुझे जाने दो यार तुम। चलो मेरी बात तो सुनो, मेरे घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं एक लड़के से मिलने के लिए, शादी के लिए। हाँ हाँ तो करो ना शादी, और मैं तो कहता हूँ डेस्टिनेशन वेडिंग करना, ठीक है? Are you serious? हाँ, इंस्टाग्राम पे फोटोज अच्छे आएंगे ना, मैं लाइक जरूर करूंगा। ओके अब मैं जाऊँ प्लीज। You're an asshole, पल्लव। अकेले रहना ना तुम्हें, रहो अकेले। क्या? What is it? कौन है? फकर एंड आयाज यस्टरडे, तूने बताया या कौन है वो? भाई वैसे ही ना तेरी लाइफ की लग चुकी, एंड आई होप कि तू अपनी लाइफ में और कोई प्योर बैड लक सिचुएशंस इनवाइट ना कर। इतना मत सोचा कर मेरे बारे में। छुट्टी क्या हो गया? क्लास में क्यों नहीं आया था? क्या हो गया? अरे क्यों आऊं यार? देखो भाई, एक होता है इनकम टैक्स ऑफिसर जो आता है, अक्यूज करता है, गांड मारता है और नेगोशिएट करके चला जाता है, लेकिन एक है ये रुचि जो लीच की तरह मेरी बची कुची एनर्जी भी ना चूस के निकल जाएगी। चूते, इसमें कौन सी नई बात है? एक सेकंड, आ लीजिए सीन तो बता दे बहन, कर कर क्या रही है? क्या कुछ तो प्लान होगा, मतलब प्लान तो चलो। ओ सॉरी, देख के चलो ना। एंड चलो बाबा को बोल देना कि मैं आज सेशन में आ नहीं पाऊंगा। अबे ओ चिल मार, ये वैसे ही मिस कर रही है, इसकी स्पेशल क्लास है एक नए नॉटी प्रोफेसर के साथ। ओके ओ स्पेशल क्लास, ओके। मैं तो विशेष के पार्टी में जा रहा हूँ टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। यू शुडंट फॉरगेट योर ओल्ड फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम न्यू वंस। या एट लीस्ट आई डोंट डू दैट। सो क्या पकाता है, चलना। एंड द स्टेज वाज सेट, और मुझे आज अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आबिर अंदर से निकली हुई परफॉर्मेंस देगा, मतलब एकदम रॉ, प्योर, अनफिल्टर्ड, हाई ऑन इमोशंस। आबिर आबिर चल चल, चाय पीते हैं, दारू खत्म हो जाएगी। ए लॉली फकर, क्यों खत्म हो जाएगी? बहुत दारू है, तू पी आबिर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मेरी माँ ने मेरे को क्रेडिट कार्ड देके कहा है, पता है क्या कहा है? जरा बोला है कि डुबा ले अपने और अपने दोस्तों की जिंदगी नशे में। नहीं यार, मेरा दारू बंद है यार। तूने पी? अबे ऐसे कैसे चलेगा, मेरा दारू बंद है भाई, मेरा फेवरेट, मेरा दारू बंद है एग्जाम्स के बाद। अरे बंद है? ओ ऊंची पूंची आ गई तो ड्राई डे भी नहीं, सीधा ड्राई वीक। ऊंची पूंची, उसका नाम मत ले यार, भाई परेशान है यार बहुत। क्या रुचि ने कड़क कर दिया है ब्रो, हार्ड सीन ब्रो, हार्ड सीन, बहुत हार्ड यार, बहुत हार्ड। मैं बोल रहा हूँ ये लड़कियों की ना जाति बेकार है भैंचोद। यस सब गलत है, है ना भैंचोद, स्क्रू देम ऑल। ए ब्रो, वाओ। अरे यार भोसड़े में गया सब, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। ए बहन, ए बहन भैंचोद, मेरा बर्थडे बे, ये तो मेरे से कभी लगा यार, ये तो बहुत सीरियस हो गया यार। Looks like you're going to be here forever, Mena. Why don't you just get all your stuff and move in with me? Ek college app update karne mein kitna time lagta hai? Suicide na commit kar lo main tere sath move karne se pehle. Sorry ma'am, wo app reboot kar rahe the, thoda time jayega. You know what? Just go. Finish the rest tomorrow. Go. Get up and leave. Sali frustrated chudel. Teri sadi hui app mein kaam karne ka koi shauk nahi hai mujhe. That was fast. Just like how a young and energetic boy should be. मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता।
You know where I like my boys. Not my thing. ये तुम्हें कल hangover देगा, but this no hangover, no fuck ups. Actually, this is good stash as well. I'm sure, लेकिन not my thing. What's your thing? Am I your thing? Are you okay? Yeah, actually, I think किसी ने मुझे बुलाया वहाँ तो yeah. Normal इंसान के लिए minimum audible frequency 20 hertz होती है. उनकी बात सुन लेती होगा? नहीं, I swear कोई friend I think वहाँ. A friend like Abhi? मन चीज कुछ खाते हैं. Let's go, come. कहाँ जाना है? किस side? I think this side. Come. अबे उठना चूतिए. अबे छोड़ यार. सिंड्रेला भी मिडनाइट तक रेव कर रही थी और तू है कि बांध चोत अपने बदले में 11 बजे पास आउट हो रहा है. उठना चूतिए. उठ गया बस. उठ गया ब्रो. ए अबे मुझे मालूम है तेरा ये लुक, तेरा इंटरनल शेक यहाँ पे किसी को टेस्ट नहीं करना. तू उल्टी मत कर. हे या कोई उल्टी नहीं करेगा. I want to puke on that asshole's face. Hey, no, bro. Abe. Easy, chutiya, tune bahut pe rakhi. Abe, tu us pe ulti mat. What's up, bro? What's up? Are you yes, having sir. Fun? I'm having fun. Good scene. Chutiya, party ki baat nahi kar raha hu main. Zyada pi liye tune. Yeah, I know. I'm high, but I'm good high and good drunk. Aur ek achhi advice, honest advice dena chahta hu. Go for it. I know it's not easy, but lage raho. She likes it like that. What? I know now male ego aayega tera beech mein. So, be a man. Mard ban. Okay? I know you know. Did I say that right? I know you know that me being mean. You know what I mean? No, I actually don't know what you mean. You don't? Chuti aayega? Just joking. I love Nivi or Meb. We're childhood friends. And then, you know, na, when you share everything, sab cheez share kar lete ho, then you explore a lot. But after a point, kuch bachta nahi explore karne ke liye. Discovered. But hey, bro, now she's with the writer. I'm sure she's over me. Or hopefully she. I don't hope. So basically, you mean you and Nibi. What? Mera Nibi ka? Both of you had. Actually, main kyun pooch raha hu, mera poochna banta nahi. To pooch? To yahi poochna chahta hai na ki Nibi aur maine saath mein kitne bases cover kiye? Kyun? Yahi poochna chahta hai na. I knew it. Enjoy the. Party. Have fun. Woo. Please. Hello there. Hello. Hi. कहाँ थे तुम? मैं एक दोस्त से बात कर रहा था. This is cute. अक्षय. तुम्हारा कोई क्यूट सा राइटर फ्रेंड है क्या जो मेरी बोरिंग सी लाइफ में कुछ ट्विस्ट ले आए? यार एक्चुअली वी आर डन हियर. मेरे घर जा सकते हैं आफ्टर पार्टी. वाह, एटलीस्ट किसी के नसीब में तो आफ्टर पार्टी. शादी वो तू जी ले अपनी जिंदगी. यू आर आल्सो इनवाइटेड. नहीं. मेरे को आना है. अब तुझे जाना है पढ़ाई कल. यू श्योर शी इज फाइन? बाय क्यूटी. बाय. आराम से. इजी. नहीं ठीक है. श्योर. रोज की बात है. टमोनी सो जाना. कम. आई थिंक लेट्स गो. हमें भी चलना चाहिए. एक्चुअली मुझे पढ़ना है कल सुबह. आई शुड स्लीप. यार पढ़ाई तो रोज करते हैं. चलते हैं. इट्स काइंड ऑफ परफेक्ट. यू एंड मी दोनों टिप्सी है. थोड़ा कभी करेंगे. कम लेट्स गो ना. कम. क्या कर रहे हो तुम?
तुम क्या कर रही हो? मतलब मैं क्या कर रही हूँ? क्या जरूरत है इम्प्रेशन देने की दैट यू लाइक मी और यू वांट टू डू दिस? इम्प्रेशन? आई डू लाइक यू. लाइक मी इनफ फॉर अभी टू गेट जेलस एवरी टाइम ही सीज अस टुगेदर? अक्षय यू आर ड्रंक. कल सुबह बात करते हैं. आई एम ड्रंक लेकिन मैं पागल नहीं हूं. मैंने देखा तुम उसके सामने कैसे बिहेव कर रही थी. यू नो लेट मी टेल यू समथिंग. तुम ये जितना परफेक्ट होने का प्रिटेंड कर रही हो ना उतना परफेक्ट तुम हो नहीं. What the fuck? Goddamn fuck, right? सीन क्या है तुम दोनों का? हाँ, पहले ही सेटिंग मी अप विद यू, जानते हुए कि यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम, और उसके बाद यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? और इस सब में मैं क्या कर रहा हूँ? Listen. एक सेकंड. क्यों किया तुमने ये? You wanted to make him jealous, right? Listen, Abhil. अक्षय, I'm sorry. Right. अक्षय, आबिर और मैं सिर्फ ये मत बोलना दोस्त हैं. मुझे आबिर ने बताया तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में. क्या बोला उसने? ये अभी भी तुम्हें ये टेंशन है कि उसने क्या बोला. इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग दिस आउट, सी दिस, टेल मी यू लाइक हिम और नॉट. आबिर और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. सिंपल यस और नो ने मैं देता. नो. I don't know. अपने आप को कन्विंस कर रही है मुझे. तुम्हें पता मैंने बहुत कहानियां पढ़ी लिखी भी है. ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ना सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती. यू नो आई लाइक यू, आई रियली डू. बस तुम मेरी कहानियों में रहो, मेरी लाइफ में. इस समय तुम दोनों को ये सॉर्ट करना कि तुम्हें क्या चाहिए. और हाँ, फिर से ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो यू नो वेयर टू कॉल. पहली गाली पे तो मुझे लगा कि वो स्टिल ट्रिपिंग, बट ये गालियों की वाटरफॉल वाज लेजिट रियल एंड दैट टू नीबे. आज तो फ्लड पक्का था. क्लास के लिए चल रहा तू तूने मुझे अक्षय को क्यों सेटअप किया? मैंने तू क्या थ्रिल मिलता है तुझे ऐसे करके? और व्हाई डू यू ट्रीट मी लाइक अ पीस ऑफ शिट? कुछ तेरी वजह से बाबा ट्रीट्स मी लाइक शिट. And that's why I treat you like shit. Shoot. You know how much I love my music, huh? और अगर बाबा के सामने अगर म्यूजिक का जिक्र भी कर दिया तो वो मुझे ऐसे मारने के लिए दौड़ते जैसे मैं कोई सारा टेररिस्ट हूँ. पेंशन खुद की तो कोई हॉबी या कोई पैशन तो है नहीं, बस मेरे में लगे हैं. You know what's the worst part, Nibe? You know about this, but फिर भी एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे बाबा के सामने इन्फीरियर फील करवाने का. हर बार हर चीज में परफेक्ट. Perfect daughter, perfect student, and henchoda bhi very soon perfect fucking doctor. Ban jayegi tu. But nahi banna hai mujhe teri tarah. I can't be like you, a perfect person. Nahi banna hai mujhe yaar. It's because of you that he's not proud of me. You're responsible for that. I'm sorry, Abhil. Yaar, mujhe nahi pata tha मेरे वजह से तू यार तू रो क्यों रही है यार? नहीं भाई यार चलना है. रो क्या रही है यार? नहीं भाई यार आई एम सॉरी यार. तू सुबह सुबह चिल्लाने लग गई यार. प्लीज प्लीज रो मत यार प्लीज. यस यस मैंने तुझे अक्षय के साथ सेटअप किया था. मतलब आई वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट यू.
but then I realize I can't see you with anyone else. Benchud, फिर भी मैं करते गया तो इसमें तेरी भी गलती है ना? तू भी तो मतलब तेरे भी हार्मोन जैसे फ्लटर कर रहे थे क्या? पेट में बटरफ्लाई ज़ुम्बा कर रहे थे. You wanted to do it with him. क्यों बोलना था उसको तू your virgin? Why? नहीं, but तुझे देख यार, हो गया था यार. मैं मतलब जेलस यार. क्यों तू ऐसे बन गई है? anyway, मतलब हर चीज में परफेक्ट. परफेक्ट 2019. क्यों पहले ऐसे नहीं बन सकती यार? वैसे ही शरारत करेंगे, मस्ती करेंगे. मैं कोशिश करने से भी मैं तुझे मैच नहीं कर सकता हूँ यार. नहीं बन सकता मैं तेरे जैसा यार. I hate you because I can't be as good as you. तू मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था. तू मुझे बचपन से जानता है और तुझे इतना नहीं पता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तू है. आबिर पासू सॉरी, मैं बकवास, बहुत ज्यादा बकवास कर लिया समय. सॉरी. बकवास तो तू करता ही है, बहुत बकवास. लेकिन आज मेरे साथ नहीं किया, किसी और के साथ किया. किसके साथ? कुत्ते. When did we do it? Please, अभी कोई आ रहा है यार. अरे कोई नहीं आ रहा यार, अच्छा खासा कर रहा था मैं कुछ. अगर कोई आ गया तो? अरे आ गया कोई नहीं आने वाला यार. समझ नहीं रही, इट्स इम्पोर्टेंट, ये सब सीखना पड़ता है यार. इट्स सो मच फन. हाँ देख, अभी टंगा. मुझे नहीं करना ये, प्लीज ना, प्लीज चल ना, प्लीज. यार तू जस्ट स्पॉइल स्पोर्ट यू आर ना यार. ऐसे भी कोई आ भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तू मेरे साथ तो चिल, ओके? अभी प्लीज ना, प्लीज 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 चल. फाइन, वन कंडीशन. व्हाट? दिखा मुझे. ओके, एक. I didn't say. नहीं, मैंने मुझे अच्छे से याद है, मैंने वेग रखा था. वेग? मैंने कहा था बेसिस कवर. हाँ, वो राइटर है, मतलब ही मेड अप हिज माइंड, अलग अलग स्टोरी बना रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. आई सेड बेसिस. तू बहुत ज्यादा स्टड मत बन प्लीज. कहाँ हेल्प करना, आई एम अ स्टड. स्टड की फ्रेंड. फ्रेंड? सिर्फ फ्रेंड? नहीं नहीं, एक सेकेंड यार, ये फोन का ना टाइमिंग इतना गलत होता है ना, आई एम टेलिंग यू. Honestly, अगर तुम नहीं होते ना नहीं, तो I don't know मैं इस unwanted pregnancy से कैसे डील करती. दूसरा प्ले कर. I'll never forget how you stood by me with the abortion, Abir. You're a sweetheart. Thank you. यार फिर से समझाना पड़ेगा. आप खुद ही चेक कर लीजिए. ठीक है. थैंक गॉड ये बुक वापस आ गई लाइब्रेरी में. देखूं तो सही ये बुक किस इडियट के पास थी इतने दिनों से. ननकी से ना. मैं बता रहा हूँ, इफ यू लाइक इट, देन शेयर इट वाला फंडा सिर्फ सोशल मीडिया पे काम आता है. क्योंकि रियल लाइफ में जब हम किसी को लाइक करते हैं तो हमारी पॉजिटिवनेस का स्कोर 0 से 100 पहुंच जाता है इन नो टाइम. एंड देन एंड ऑल यू वांट इज टू स्विच ऑन दोस प्राइवेसी सेटिंग्स, ताकि जिसे आप लाइक करते हो उसे और कोई लाइक ना कर सके. वाह, मतलब यार खाती क्या है?
मैं तो मतलब कल रात का हैंगओवर ही खत्म नहीं हुआ और तेरी स्टडी शुरू हो गई. क्या है, कौन सा है? अरे कौन सा है वो पूछ. अरे यार आई नो लाइब्रेरी है, मतलब साइलेंट रहना पड़ता है यहाँ पर, बट इतना साइलेंट ट्रीटमेंट. ये अच्छा था जोक, साइलेंट ट्रीटमेंट साइलेंट. कम ऑन लाफ यार, कम ऑन. तुझे बात कर रहा हूँ ना मैं, और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कब से मैं तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ. ओके मैं बोल रहा हूँ जो नंदी का वॉइस नोट था वो वैसा नहीं जैसे तू सोच रही. ओके देख देख निबे, तुझे भी पता है कि मैं कितने भी चुतियापे कर सकता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल एंड फीलिंग्स मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. पर मैं तुझे कल झूठ नहीं बोला है. देख यस मतलब मानता हूँ मुझसे गलती हो गई कि मैं ननकी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आई जस्ट. चलो थैंक गॉड किसी के लिए तो कंसर्न है तुम्हारे पास, उसका ख्याल रखना. हां अरे एक सेकंड. यस ऑब्वियसली मैं नहीं हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं. तू नहीं है तो कौन है? कौन था मतलब मुझे भी नहीं पता कौन था. अगर पता भी होता तो भी मैं तुम्हें बता नहीं पाता, बिकॉज ननकी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा. गाइस 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 लॉली तू ही जा खुद प्लीज. निबे एदी के देखना. सुन मेरी बात, ये सारी गलती मेरी है. आबिर तो बस भाई की तरह जो चुतियापा मैंने किया था उसे साफ कर रहा था. आई मीन सारा मेरे कारण हुआ है, माफ कर दे. लॉली और मैं उस रात हाई थे, स्टोन थे, कॉन्डम ब्रेक हो गया पता नहीं, बट मैं बहुत डर गई. मुझे पता नहीं था मैं किससे बात करूं, क्या करूं. आई रियली डोंट नो. अब बता. मतलब इससे ज्यादा मेरी फट गई थी. उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. लास्ट मोमेंट में मैंने बैक ऑफ कर दिया लाइक माफ कर दो. अभी एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी हेल्प कर रहा था, दैट्स इट. सॉरी के साले, तुझे पता था कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ. तेरे पास बॉल नहीं थे तो एक्सेप्टेड. बट यार ननकी, तुझे यही स्पीसीज वे पना प्रोक्रिएट करने के लिए क्या? आई होप तूने सारे एसटीडीज के टेस्ट करवा लिए. ओह शुड आई? नहीं नहीं वो नहीं किया हम लोग ने. यू हैव टू डू दैट. शुड आई गाइस? अच्छा ओके इट्स जोक. मेरे लग गए. ठीक है कम ऑन चिल मारते ना ब्रो, चलना कैंटीन में. एक एक आई मीन चलना कैंटीन में. नहीं 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 मतलब मैंने छोड़ दी, मतलब बुक्स इशू करना है मुझे तो आई हैव टू वेट. चल चुती है, कितना बेकार एक्टर है तू. तुम्हें क्यों अपनी नाक डालनी है इनके बीच में? चलो प्लीज चलो प्लीज. आई कांट. नहीं अभी लाइब्रेरी में चलो. लाइब्रेरी है डोंट फॉरगेट. चांस पे डांस जैसे कभी छुआ ही नहीं. कर लो अब तुम ऐसी खता जो कभी भी. रुचि 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 कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? I am done. I can't take this anymore. It's over. मतलब? मतलब तुम्ही ने तो advice दी थी. Go get married to that guy. I'm getting married to him. क्या बोल रही हो तुम? और जो तुम ये क्यों कर रही हो? I didn't want to do this. मतलब जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी ना मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन अब feel like I'm a burden. I don't want to be a burden, Balla. Hi. So well. Cheek. छोड़ रहा छोड़ छोड़ रहा चाचा बिहु क्यों कर रही है ये? पता नहीं क्या हो गया इसे, पूरे क्लास का जीना हराम कर रखा है. इनका कुछ सीन चल रहा है क्या? तुझे नहीं मालूम? साले तेरी बर्थडे पार्टी में तो सीन सेट हुआ था.
बोलो। एक मिनट, मैं आपसे कुछ देर में मिलता हूँ, ठीक है? क्या इस वक्त तुम्हें क्लास में नहीं होना चाहिए? तुम अपने बैच के वन ऑफ द वीकेस्ट स्टूडेंट्स हो और तुम्हारे कमिटमेंट को देखकर मुझे नहीं लगता तुम पास हो जाओगे। The marking system will be divided into three major chunks. The second is where you have the opportunity to score the most. Sorry, ma'am. No, don't be. Finals are just round the corner. Aur agar tum dono ko lagta hai ki tumhare paas bahut time hai waste karne ke liye, then please karo. And Abir, let me tell you, jab tum dono ke results aayenge, you both will definitely be sorry. Sorry, ma'am. May I come in? And may I please know why? Class mein kyun aana chahte ho tum? Padhai mein koi interest nahi, upar se late aate ho. What is going to change if you attend a lecture? What? Nothing. You know what? It's better ki tum bahar raho aur khuli hawa ke maze lo. Get out. Bloody hell! Aise badtami students maine aaj tak nahi dekhe. तुम्हें फिनिश नहीं करना। Next time, today it's all about you. You're the best bad boy. Actually, मुझे जाना है। How can I forget girlfriend duty? No. Ah, think of the devil. I mean angel and. नहीं वो पल्लव है सो. Exact. Hello. Yeah. What? फिर से party? What the fuck? मैं आता हूँ. मैं आ रहा हूँ बस. पल्लव पार्टी दे रहा है, सो आई हैव टू गो. पार्टी फॉर व्हाट? क्योंकि मैंने उसे क्लास से बाहर निकाला. अनबिलीवेबल. वेल वैसे भी वो फाइनल्स तो क्लियर कर नहीं सकता. ही रादर एंजॉय. ऐसी बात नहीं, मतलब वो अपने स्टेट का टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, सो बहुत देखे मैंने ऐसे स्टेट टॉपर्स. स्मॉल टाउन से किम्स पहुँचते पहुँचते गोल्ड मेडल्स घिस जाते हैं उनके. वी विल सी. आज तुम कहीं नहीं जा सकते. You promise you'll stay the night. I have to. Then get out. Oh. क्यों इतना लेट आया? अभी आ गया ना मैं. बहुत लेट आया. अरे बट एक सेकंड, मुझे बोला गया था कि पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है? और निभे गए, उसने तो बुलाया. पार्टी है और तुझे निभे क्यों पड़ी है? मेरे लिए आया, निभे के लिए आया. आया ना. तुझे इतनी बार फोन करता हूँ तो जवाब नहीं देता है. अभी दारू पीने के लिए बराबर टपक गया यार, फुकट की दारू पीने के लिए. पे कर दूंगा, दे ना एक सिप. सर क्या बढ़ रहा है रे? मुझे और दारू नहीं पी रही, मैं जा रहा हूँ. तेरी माँ का एक बार शांति से बोला, समझ में नहीं आता है. उसको जाने दे ना, उसको नहीं पीने, उसको जाने दे. तू भी ला, मैं पी लेता हूँ. खत्म बहन चो, ये भी खत्म तेरे. अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो पार्टी है, ब्रेकअप पार्टी. पार्टी अकेले अकेले? अकेला ही तो हूँ मैं. अब मैं भाई कौन, अकेला ही तो हूँ तो. अच्छा चल मेरे साथ आ. वो तो कुछ बोलता क्यों नहीं? देखो मार रहा था इतनी देर से, कोई भी देखो कुछ बोलता है तो कुछ बोलता ही नहीं उसको. क्या बोला कर, ऑब्वियसली बोला कर यार. क्या बोलूं, दारू पिया हुआ है, रुचि छोड़ के चली गई उसको. क्या करता मैं बताओ? तो भाई तू ऐसा रह चुती है, मत बोल किसी को. फोन नहीं बज रहा है. फोन बज रहा है. नहीं बजा, नहीं बज रहा है. पल्लव फोन मत फेंक मेरे भाई. आई नो तुझे बुरा लग रहा है. नहीं पता है मुझे. नहीं
यार स्ट्रॉन्ग रहना इम्पॉसिबल है हमेशा, और वैसे भी हम सब ह्यूमन है, होता है। मैं एक सेकंड, एक तू ये भर के ला रही, टूट जाएगा भर के ला रही। फोन का है यार मेरा, मेरा फोन। हाँ अरे भाई मैं बता रहा हूँ एकदम ठीक हूँ यार, सिर्फ थोड़ा स्मोक के लिए गया था यार। हाँ हाँ सही बात, बिल्कुल तू ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हेलो अब ऊपर सो रहा है या नीचे? अभी फिलहाल तो ऊपर ही है, एंड ही पास आउट सून, सो एक्चुअली होपफुली। आबिर हाँ, वो मैं सोच रही थी अगर तुम यहाँ जाओ मेरे साथ रहना है। या I mean, yes, I would love to. So, मेरे घर पे? निश मायना के रूम में और लॉली और रंकी विशेष के रूम में, तो मेरे रूम में कोई नहीं है। आज ना दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ में सोएंगे। हाँ, yeah, I mean, I'll be there in 5 minutes. Okay. सुना, मैं बस वॉशरूम जा कर आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट बाद आता हूँ, एंड देन फिर अपन आफ्टर पार्टी करेंगे। नहीं, क्या? आज दोनों भाई साथ में मुतेंगे, आज साथ में मुतेंगे भाई। चले साथ में क्या मुतेंगे, पागल है क्या? मैं आता हूँ, ठीक है? आफ्टर पार्टी करते हैं अपन साथ में। अच्छा कल मुतेंगे? अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। हाँ पक्का, ओके। ओए ओहो, आराम से देख लो देख लो देख लो। 5 बजे मेरा शिफ्ट खत्म हो जाता है, उससे पहले बाहर आप निकल रहे हो। टेंशन नहीं है, कम ऑन। फोन बज रहा है क्या? अबे तेरा फोन है क्या? आबिर 5 मिनट नहीं हुआ? सब था। अच्छा चली गई, बहुत अच्छा। इंतजार तेरी सांसों का, मेरे कंधे के दिल पे बिना लफ्ज कुछ कह गया तू मेरे दिल। जलते इस आग का मैं, मंजूर है राख होना जो बस छू ले तू मुझे। कैसन बा भाई लोग, सब ठीक बा? आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ, और पता है कहानी का टॉपिक क्या है? हम सबका फेवरेट पहला प्यार। हाँ बहनचोद, पहला प्यार जिसके लिए हम इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। MBBS के लिए मैंने बिहार में मेरे परिवार को छोड़ा, वहाँ के दोस्तों को छोड़ा, यहाँ पे लड़की को छोड़ा जिससे मैं सच्चा प्यार करता था। तुम्हें इस दुनिया का सबसे लकी आदमी, लकीस्ट एंड हैप्पीएस्ट, क्योंकि ना मुझे किसी की अब चिंता है और ना किसी को मेरी। आजाद हूँ मैं बहन चोद, पूरा आजाद हूँ।
पल्लव के इतने मिस कॉल, बहन चो लॉली के और विशेष के भी। मेरा भी फोन देना है इसे क्या? वेर? हाँ। थैंक यू। तू बस आ जा जरा। निश्चित ही भी मिस कॉल्स है। On 4 a.m. After party. पर इनको नहीं पता हमारी after party. What's the time? What's the time? 5. नहीं अरे मुझे 5 के पहले निकलना था. अरे it's 1 second. ले. Okay. 5. कपड़े कपड़े. कपड़े हाँ. Hand glove. तू कौन है और गर्ल्स हॉस्टल में कैसे आया? भाई आराम से बात करो, इधर टाइट वाइट क्या पकड़े हो हाथ? आराम से बात करते ना साइड में। तुमको नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है? नहीं नहीं पता है? ज्यादा मत बोलो। हुआ क्या? आईडी दिखा। ओ भाई ओ क्या बताओ किस अंदर है? अरे इससे क्या पूछ रहा है? मेरे से बता ना, मुझसे बता ना। एक सेकंड, चलो डिन के पास चलो। Leli, teri to leli, MDBS ne. Don pal pancho, teri to leli, MDBS ne. Boca choda, chulo eja. Boca choda. मैं मैम को वही एक्सप्लेन कर रहा था। ये उजिता जी हैं जो इस एजुकेशन ऑफिसर, ये केस मैं हैंडल कर रही हूँ। एक वक्त ऐसा था जब किम्स जाना जाता था फॉर इट्स स्टूडेंट्स एक्सेलिंग इन लाइफ, और मैं आपको बता रहा हूँ उजिता जी, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते, डिसिप्लिन नहीं सिखाते, और देन यू एंड अप विद नॉनसेंस लाइक दिस, और फिर सारा ब्लेम कॉलेज और फैकल्टी पे कि हमने इसे प्रेशराइज किया। अगर हैंडल नहीं कर सकती हो तो घर पे बैठो, यहां ड्रामा करने की क्या जरूरत है? What the fuck is wrong with you? Huh? What are you doing? It's your fault. It's fucking your fault. Abir, आपकी वजह से, आप responsible हो उसकी death की वजह से. हाँ, you made his life living hell और आप इतना patient किया उसको. और कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना आप लोगों को? Fuck you. Watch your mouth. Watch my mouth for what? Huh? Did you? जब उस दिन he was feeling low आया था, आपने सबके सामने उसको humiliate किया था. Did you think about it? नहीं. अपने personal frustration हम पे निकालता, हम students पे, and now he died and he's you are judging him. उसे motivate करने की जगह उसे support. Finally आबिर ने कह दिया था जो हम सब कहना चाहते थे. हम उसे रोक रहे थे. लेकिन actually maybe also wanted to burn the school down. You both kill them. उसने मुझे इतनी बार कॉल किया, उसने मुझे इतनी बार कॉल किया है ना, मैंने एक बार भी वो कॉल नहीं उठाया। I could have just spoken to him once. एक बार बात कर लेता मैं उससे, सब मेरी गलती है। It's all my fault. It's not your fault. It is my fault. किसी को नहीं पता था आबिद. It's not your fault. No, it is my fault. It is my fault. I knew what depressed I was in that moment. He wanted to talk to me. He just wanted to talk to me, and I just left him alone. Just left him alone to die. मुझे अपना best friend मानता था वो, and I knew, मुझे पता था कि उसमें he had so many pressures. Exam का pressure, then वो fucking रुचि आ गई बीच में. I knew what kind of pressure he was in, but नहीं. I कल रात को भी उसने कहा कि रुक जा मेरे साथ. I hate this place. I hate it.
I hate this place and I can't do this anymore. I just can't do this anymore. I should have been there for it. Hello? It's Nishant, Pallav's friend. Sorry, Nishant. तुम मुझे फोन करके अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने जो डिसाइड करना था कर लिया है। तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। रोची, पल्लव इज नो मोर। आई मीन कल रात को ही, मतलब आज सुबह ही, आज कॉलेज में उसका अंतिम संस्कार है। मैं तुझे डिटेल्स भेजता हूँ। किससे बात कर रही हो बेटा? निशांत, आई एम सॉरी, पल्लव मेरा पास था। अगर तू नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं होता। जस्ट फक ऑफ, फक। इन लास्ट चार मैसेजेस ने किम्स की मार दी। पहले पल्लव का डेथ, अब पेपर लीक्स। एक ही दिन में कोलकाता का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज उसके घुटनों पे आ गिरा था। और अब ये क्वेश्चन पेपर्स लीक होने की खबर। अगर पुजीता को गलती से भी इसके बारे में पता चला then she will be breathing down my neck with a full blown investigation. आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि किम्स ऐप पे ये आर्टिकल किसने पब्लिश किया? मिस शर्मा, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। मेक श्योर द ऐप इज सिक्योर इनफ सो दैट इन फ्यूचर कोई ऐसी नॉनसेंस खबर पोस्ट ना करे। यस डॉक्टर। और मुझे जानना है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एम आई क्लियर? यस सर। मैम मुझे नहीं पता ये सब। आई गेव यू वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन। मैम मैंने पासवर्ड भी चेंज कर लिया है, फिर भी ये सब मुझे समझ। इट इज योर जॉब टू नो। ओनली यू एंड मी हैव द पासवर्ड टू दिस। देन हु द हेल हैज बीन पोस्टिंग दीज अपडेट्स? वंस अपॉन अ टाइम अ स्टूपिड गर्ल बेग्ड मी टू मेक हर द हेड ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, सेइंग दैट शी वुड वर्क इन माय फेवर व्हेनेवर आई वांटेड, एंड आई ओब्लाइज्ड हर बाय डूइंग सो। So it's your responsibility to know what is happening, right? Yes, ma'am. Now you listen to me, ma'am. If you fail to do this, I promise you, there will be consequences. Out! Sorry, ma'am. चला गया ना छोड़कर। ये आधा तेरे लिए। और बाकी का आधा कभी साथ पिएंगे। तक वही करूंगा जो रोज करता हूं। टेल द वर्ल्ड टू फक ऑफ एंड स्विच ऑफ। और वैसे भी मेडिसिन की दुनिया असली प्रॉब्लम नहीं है। या तो रोबोट्स मैन्युफैक्चर होते हैं ट्रेन किए हुए, इसको तो आंख बंद करके इग्नोर कर सकता हूं। असली प्रॉब्लम है हमारी दुनिया, आवर लाइफ, जिसके लिए हमको कोई ट्रेन नहीं करता, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, नो इंस्ट्रक्शन मैनुअल, नो प्रोसीजर, नो थियरी, सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड लाइफ, एन ओशन ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, और इन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, फीलिंग्स से कैसे डील करना है कोई नहीं सिखाता। जो लकी है वो तैर के निकल जाते हैं और बाकी डूब जाते हैं। लाइफ सेव करने के बारे में पढ़ाने से ज्यादा लाइफ से डील कैसे करें
ये सीखना जरूरी है। तो फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन ये सिखाती क्यों नहीं है? किसी भी मेडिकल कॉलेज के सिलेबस में ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है? मैंने बोला ना जा यहाँ से। यू सी, सिर्फ ऐसे ही बैठने आया हूँ, सो चिल। ये लेके चला जाए। भाई कंट्रोल रो मत। ग्रीफ वॉज अबाउट टू टेक अ बैक सीट, फिर वही डर वही थ्रिल। पेपर लीक हो गया था, अब मैडम सी कौन थी? आबिर इतना क्यों डर रहा था कि पलों को भी भूल गया था? अरे यार चार साल मैंने मेहनत किया है यार यहाँ तक पहुंचने के लिए। रोज पढ़ाई करती हूँ, तू भी देखती है, पढ़ाई और ऑफिस में भी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, अगर जल्दी स्टॉप नहीं हुआ रहा तो मैंने जो कुछ भी किया वो सब में पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं होगा, किसी ने सच में क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया होगा। यार फाइनल्स के पेपर हैं, कोई भी के कांड कर सकता है। मैं क्या करूं? हम ढूंढते हैं, हम सिक्योरिटी पासवर्ड देख। कुछ याद है तुझे? मैंने सब कुछ। मैम फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैम आबिर ठीक है? हाँ मैं एक्चुअली तुझे ही कॉल कर रहा था, तू फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो कोई कॉल नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुझे मतलब कॉल करने की कोशिश कर रहा था, तू तेरा फोन नहीं लगा। तू मतलब के प्रेयर मीटिंग में भी नहीं आया। थोड़ा लो फील कर रहा था तो सोचा अकेला टाइम स्पेंड करो। वही मैं इसीलिए बस आया कि तू वहाँ पर नहीं आया था। तू ठीक है कि नहीं? इफ यू आर नॉट ओके देन थैंक्स मैन, ठीक हूँ मैं। तू ठीक है तो फिर आई ना। श्योर? या मतलब या व्हाट अ फक ऑल डे यार। आई नो, देखो किम्स ऐप पे क्या चल रहा है। बुलशिट यार, ऐसे कैसे पेपर लीक हो सकते हैं? आई एम जस्ट नॉट माय सेल्फ टुडे यार, आई एम सॉरी। नहीं नहीं इट्स फाइन। चल तू चिल कर। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आई एम बेटर या बाय, गुड नाइट या वो विशेष घर पे ही है। जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे पल्लव से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर तुम्हें भी इतना अब्यूजिव नहीं होना चाहिए था। मुझे तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए था, पर अब क्या फर्क पड़ता है? अबीर, आई थिंक ये जर्नी यहीं तक थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है। कम ऑन, गिव मी अ गुड टाइम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ग्रीफ के 7 स्टेजेस होते हैं। शॉक, उसके बाद डिनायल, फिर गिल्ट, उसके बाद गुस्सा और फिर रिफ्लेक्शन। आबिर इस 5th स्टेज में अटका हुआ था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, पर कुछ तो था। एग्जाम देर नहीं हो रही है, बीता हुआ कल हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो आने वाला कल है ना उसे हम या तो हार सकते हैं या जीत सकते हैं।
हाँ निवे। हाय। निवे मुझे पता है कि बहुत दिनों से मतलब मेरी वजह से तुम डिस्टेंट फील कर रही होगी। नहीं यार अभी फाइन मैं समझ सकती हूँ। तूने वो किम्स ऐप पे अपडेट देखा? अजीब है ना? मैं लेट हो रहा हूँ निवे, मैं कॉलेज में मिलता हूँ तुझसे। मतलब इफ दैट्स ओके। ओके हाँ लेट मत होना। और अभी I love you. इशा उठ जा। उठ जा यार। एग्जाम आज। कुछ नहीं हो रहा निबू। इस कॉलेज में हार्ट डिजीजेस ठीक करना सीख रहे हैं। इनके पास कोई हार्ट नहीं है यार। पल्लव को गए हुए 2 दिन नहीं हुए यार। दोस्त था यार वो हमारा, थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे? इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम, कुछ भी हो रहा है यार होगा। बहुत ही सिंपल है ये केस। पल्लव का सुसाइड वीडियो है ना, इट्स प्रूफ। सर आपको समझना होगा कि मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर हूं, कोई पुलिस नहीं। कि सुसाइड का सबूत मिलते ही मेरा काम खत्म। इनफैक्ट मेरा काम तो यहां से शुरू होता है कि देखो यहां सब ठीक है। और सब कुछ ठीक है यहाँ? अफवाहों से पता चला है कि सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ, इसीलिए उन्हें अफवाहें देते हैं। सर अफवाह और हकीकत के बीच में ना एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होती है, और मैं चाहूंगी कि आप मुझे मेरा काम बिना किसी रुकावट के करने दें। मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगी जो उस रात गर्ल्स हॉस्टल में था। के? Who, which boy? न्यूरोलॉजी, रेडियोथेरेपी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सर्जरी, ये वॉर नहीं एपोक्लिप्स था। हमें सिखाया जा रहा था दूसरों को बचाने के लिए, लेकिन हमें कौन बचाएगा? और ये बेयर सर्वाइवल वॉज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ थोड़ी सपोर्ट। सब मेंटली टॉर्चर, एक दूसरे का टॉर्चर शेयर करते हुए एक्सपेक्टेड था कि हम सबसे फ्यूचर में पूछेंगे, बताइए व्हाट्स योर प्रॉब्लम, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स का क्या? भाई ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आज एग्जाम देना सुसाइडल लग रहा है। The education system was fucked up and we were too tired to care. Leli leli teri to leli MDS ne chupke chupke chuhe ki tarah baat karne se kuch nahi hoga। बाघ की तरह तुम सब पे नजर लगा रखी है मैंने। चाय लाए हो हमारे लिए? नहीं सर, डीन सर ने ये दिया है। अबीर बसु। अबीर बसु? नहीं सर। जाओ डीन सर ने बुलाया उनके ऑफिस में। ओके। अरे अभी जाओ, बुलाया उन्होंने। अभी एग्जाम लिख रहा हूँ ना। मिलके आप फिर लिखना, जाओ। तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना सर? कोई टाइम नहीं मिलेगा, जाओ। अरे एक सेकंड, कोई टाइम नहीं मिलेगा मतलब सर? अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा तो कंप्लीट कैसे करूंगा मैं पेपर? मुझे नहीं पता, जाओ सर ने बुलाया, जाओ। अरे मुझे नहीं पता मतलब सर, अगर एग्जाम अजीब सर, ये तो इलीगल हो गया ना, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉलेज चार्टर आल्सो दिस इज नॉट फाइन सर, दिस इज इलीगल। वो कॉलेज देख रहे हो? वहां पे ला का पढ़ाई होता है, ठीक है? तो जाओ पहले डीन सर से मिलके आओ, उसके बाद वहां जाके जितना कानून पढ़ना होगा पढ़ के आना। एग्जाम के बाद गेट आउट। एक तरफ आबिर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ ओजिता कुछ ढूंढ रही थी। पेपर लीक्स, डिप्रेशन, सुसाइड, उसको कुछ कनेक्शंस दिख रहे थे। शी वाज गेटिंग क्लोजर टू द ट्रुथ। एक लेडी टीचर है, बहुत खूबसूरत है मैडम, ऊंची लेवल पे। अच्छा, एचओडी बोलते हैं मैम। एचओडी। यू कांट लीव फ्रॉम हियर टिल यू कन्फेस आबिर मासूम। आई कन्फेस
बायोलैब का टेस्ट ट्यूब मैंने तोड़ा था, असिस्टेंट पे ब्लेम डाल दिया। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी। तुम उस रात को गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे थे? सर आपको क्या लगता है मैं गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा हूँ? शट अप। आई वांट अ नेम। वही मेटा के। आई वांट दैट गर्ल्स नेम। बोलो। आपने कहा ना शट अप। अगर आपका गॉसिप हो गया तो मैं जाऊं। हैंग ऑन। तुम कॉलेज के बाद कैंपस में क्या कर रहे थे? सर ये इसका आंसर मैं एग्जाम देने के बाद भी दे सकता हूँ। जब तक आई डोंट गेट एनी आंसर्स तुम कहीं नहीं जाओगे। सर पर आप मेरा एग्जाम टाइम खराब कर रहे हो। और आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज की रेपुटेशन। अभी बासु एकाने की करछो तुमी? आपको एग्जाम हॉल में होना चाहिए। मैम मैं वहीं पर था पर सर ने बुला लिया और अब जाने ही नहीं दे रहे। पता नहीं अलग मजा आ रहा है इनको। आप जाओ मैं आपसे बाद में बात करता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वही तो समझ रहे। समवन अंडरस्टैंड्स। लेली लेली तेरी तो लेली एमजीबीएस ने डर पाल पाचो तेरी तो लेली एमजीबीएस ने लेली लेली तेरी तो लेली एमजीबीएस ने बोका चोदा चूलो एजा बोका चोदा दे दो भाई पेपर दो सब सब प्लीज सर जी दो क्वेश्चन सर जी सर जी सर प्लीज एक्स्ट्रा टाइम सर ले लीजिए ला हो गया अच्छा प्रणाम खुश रहो खुश वो सर हम आपसे माफी मांगने आए थे पहले आपके साथ गलती कर दी है ना बदतमीजी कर ली हाँ ठीक है चलो एक सवाल पूछे सर वो सर आप पटना से है का हाँ हाँ लेकिन तुमको कैसे मालूम हमको तो पहले ही मालूम चल गया था जब आपने बात करी ना मीठी मीठी भाषा में आप बात कर रहे थे तभी हम समझ गए थे कि आप पक्के बिहारी हैं अच्छा तुम कहाँ से हो हम अरे हम तो हावड़ा ब्रिज देखा है आपने उसके जो नदी है उसके पार अरे ठीक ठीक है छोड़ो चलो 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 सर सर एक सर प्लीज सर दो क्वेश्चन सर दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम सर थोड़ा सा प्लीज सर प्लीज सर प्लीज अरे सर प्लीज ठीक है ना मैंने कोशिश की ना अब नहीं दे रहा तो ठीक है ना जाने दे चिल मार ना इतना लोड मत ले यार ये सिर्फ एग्जाम है इट्स नॉट ओके भाई इट्स नॉट ओके No, it's not okay. नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है वो उनको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था भाई ठीक है ठीक है ठीक है नहीं नहीं भाई बाबा पापा मुझे मार डालेंगे यार he's gonna kill me he's gonna kill me I mean मैं बस ये पता है तुझे सिर्फ मेरे को बस दो क्वेश्चन और लिखना था आई न्यू दिस आई मेरे को आंसर पता था यार मैं मुझे बस एक्स्ट्रा टाइम दे देता तो बस हो जाता मेरे से अरे तो नहीं दिया यार बात भी बोले थे क्या अरे कैसे यार नहीं देना चाहिए ना यार मैं फेल हो जाऊंगा तू समझ नहीं रहा यार बाबा को नहीं मैं बाबा के सामने नहीं क्या बाबा लगा रखा है यार नहीं प्लीज तू समझ रहा है अभी मेरी बात नहीं नहीं यार तू नहीं समझ रहा है तू समझ नहीं रहा मेरे बाबा तेरे से बात अरे चुप रिलैक्स सांस ले यार बैठ तू पहले बैठ तुझे नहीं करना नहीं करना ना जाने दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है तेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है तुझे मालूम है कॉलेज के बाहर भी एक लाइफ है तेरी अपनी लाइफ तेरा पैशन तेरा जुनून यार तू अक्षय को देख ले कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सबको उंगली दिखा के चला गया वो भी रॉयल वॉक के साथ तू उस जूते से कहीं गुना ज्यादा बेटर है समझा और मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है भैया मैं बाबा के सामने नहीं जा सकता एक काम करना तू मेरे साथ चलना तू प्लीज मेरे साथ चल प्लीज ठीक है मैं तेरे साथ चलूं प्लीज मैं तेरे साथ चलूं तू पक्का चलेगा ना पक्का 100% पक्का और नौ नहीं बे ओए हाउ रूड वो एक्चुअली गलती से कट गया था वो मुझे मतलब कहीं जाना है तो यार ये क्वेश्चन तेरी बेस्ट फ्रेंड पूछ रही है तू ठीक है ना Yes. और ये डीन ने तुझे क्यों बुलाया एग्जाम्स के बीच में? Because he's a chutia. He's like a born chutia. जब पूछने लगा कि लव के टाइम में गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा था? गर्ल्स हॉस्टल? नहीं नहीं अब नहीं. No stress. मतलब मैंने सब सॉर्ट कर लिया. और हम सॉर्टेड है ना हाँ मतलब यस ऑब्वियसली सॉर्टेड है मैं शाम को बात करता हूँ तुझसे ये सारे प्रोफेसर्स की क्वेश्चनिंग हो रही है और आई एम द ओनली वन हुज बीन गिवन दिस स्पेशल प्रिविलेज आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए एंड विल बी डन
क्या हुआ था? डीन सर प्लीज प्लीज उन्हें समझाइए दैट दिस इज हाईली अननेसेसरी. मैं सिर्फ अपना जॉब कर रही हूँ जैसे आप करती हैं. आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मिस्टर बासु का बेटा उस रात आपके यहाँ क्या कर रहा था. बिकॉज आई एम दी एचओडी ऑफ गायनेकोलॉजी. ओके ओके. आपके फिल्दी दिमाग में कुछ और अलग बात चल रही हो. चांदनी मैं इसे हैंडल करता हूँ. अभी प्लीज लीव. दिस इज माय ऑफिस. आप लोगों को बात करनी है आप लोग बाहर जाइए. एंड दिस इज माय कॉलेज. आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा प्लीज हम दोनों को कुछ टाइम दीजिए. Jita ji, you'll have to let this go. ये सब मैं कैसे tolerate कर सकता हूँ? और मैं अपनी duty कैसे ignore कर दूँ मिस्टर बैनर्जी? तो फिर कुछ concrete proof दे दो. क्योंकि मिस शर्मा is innocent unless proven guilty. और ये false accusations isn't helping Kim's. और ये बात आपको याद रखना होगा. कहाँ जा रहे हो? वो मैं कॉलेज के लाइब्रेरी में जा रहा हूँ ग्रुप स्टडी के लिए. तुम्हारा एग्जाम कैम ऑन होलो? वो मतलब बाबा आज जो एग्जाम जो था वो मतलब तुम्हारा फाइनल एग्जाम चल रहा है. दे बेटर बी गोइंग वेल. वही दे आर गोइंग वेल. टाइम पे घर वापस आ रहे हैं. हाँ यार यार ये नीबे कहाँ है? She's never here when we need her. Phone off आ रहा यार. Call करना उसे. विशेष आप इसे चेक कर. आ गया. कहाँ था तू? नीबे कहाँ है? मैं मुझे क्या पता भाई. साथ में लेके थोड़ी घूमता हूँ. Hi. नीबे 30 minutes और तू वाला चेक कर please. Okay. नीबे ये मुझे न्यूरो वाला डाउट क्लियर कर दे. ये इसका ये जो है गाँव को लूटने से पहले बैठने तो दे. एंड व्हाइल दिस इज हैपनिंग एक काम कर खाना लेके आ जा. जा एक काम कर तू हवा खा ले. मैं जा रहा हूँ मैं हॉस्टल में जाके पढ़ूंगा. जैसे वो जॉइंट है क्या? जॉइंट तो नहीं लाया आज. क्या माँ कर रहा है लोनी? सीरियसली तो मैं हर बार लाता हूँ तू पीता नहीं है. बट आई नीड राइट नाउ ना. हाँ तो लेके आता हूँ फिर. लेके आऊँ तो यार अभी पीना अभी तो बैठ के बनाएगा. बना नहीं सकता है. कर रहा था ना मुझे आप. अरे यार अरे नहीं तू पढ़ाई कर रहा था. सीरियसली लॉली कर रहा हूं. किसको चूतिया बना रहे हैं सच में? कर रहा हूं आज मेरा मन किया पढ़ाई कर. बुलशिट यार लॉली चल नहीं है. तो चाहिए लेके आऊं. हां तो ऑब्वियसली चाहिए तभी तो बोल रहा हूं ऐसा. स्टॉप इट अवीर. व्हाट आई नीड इट. यू आर इंपॉसिबल. यार हर बार मेरी कैसे गलती हो सकती है यार? अब मैंने क्या किया? तू को पीना है. अरे पीना मतलब लॉली यार टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार. अभी पढ़ाई के टाइम है. अरे क्या हुआ मतलब यार? I just wanted to like बोला है तो फिर करना चाहिए. अबीर क्या क्या बका चौदा. अबीर 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 What? Are you fucking serious? तू समझ नहीं तूने क्या किया है? एक निष्ठा मुझे भी पता है. I love नीबे. I really do. तू प्यार नीबे से करता और तू एचओडी के साथ क्या कर रहा है फिर ये? तू तुझे सेंस ऑफ एंटाइटमेंट मिलता कहाँ से? देख मैं तुझे बाद में बात करता हूँ. I really need to talk to नीबे. So. नीबे से 2 kilometers के डिस्टेंस पे रही हो. Idiot. जब सबका फोकस एग्जाम्स पे था आबिर एक खास सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा था और इस बार पास होना उसके हाथ में नहीं. ठीक है लग रहा है ये जानने में हमको ढूंढ रहा है. आबिर इट फक्ड अप बिग टाइम. मतलब महाराजा लेवल के स्क्रू अप्स में भी स्लीपिंग विद योर प्रोफेसर डिस्टिंक्शन ले जाए. बम तो फटने ही थे. स्टूडेंट्स आज का एग्जाम कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमें शक है किसी ने क्वेश्चन पेपर्स लीक किए हैं. दैट्स माय बैग. मैम हम सबके लिए अच्छा होगा.
ये इंटरोगेशन किसी और रूम में की जाए। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट्स के सामने ये सब हो। स्टूडेंट्स प्लीज लीव राइट नाउ। अबीर बासु यू वेट। What do you mean by interrogation? आपके पास कोई evidence नहीं, you can't touch my belongings. Photograph evidence होता है. Photographs can be morphed. मैंने personally check किया है, यहाँ कोई problem नहीं है. Dean, why aren't you saying anything to her? She's harassing me. You can't do this to me. You know how committed I am to my job. I'm going to call the authorities. Oh, आप तो lucky हैं कि ये investigation मैं कर रही हूँ. So, feel free to tell me everything. And your phone, please. कोई इस तरह से कांटेक्ट क्यों सेव करेगा? That's my personal space. You're... Let me call them. Your phone, please. इसकी तरह नॉर्मल नंबर सेव किया होता ना तो इतना ऑब्वियस नहीं होता. Well, eventually, ये तो होना ही था. ये क्या है? दीन सर ने भेजा है. You can't do this. This is unacceptable. गलत है ये. माफ कीजिएगा, पर जो आपने किया वो भी acceptable नहीं है. मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. Move. आपने जो किया है वो institution के rules के against है. अब तुम मुझे रूल सिखाओगी? हमने सिर्फ आपको एक्सपेल किया है क्योंकि आपका बेटा इस कॉलेज में पढ़ता है. यू शुड कंसिडर योर सेल्फ लकी. माइंड योर ओन बिजनेस एंड आई थिंक यू शुड थैंक हिम, बट आई डाउट कि वो इतना लकी होगा. आई वांट टू स्पीक टू द डीन. और हाँ, आपको भी इसकी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब आप कुछ नहीं कर सकते. ये तो खुशी होगा और कर भी कह सकता है. आई डोंट वांट टू स्पीक टू यू. मुझे डीन से बात करना. अभी बिजी है. डीन ने तो ओजिता के कंधे से गोलियां चला दी थी. चांदी को देखकर लग रहा था कि उसके सर पे एटम बम गिर चुका है. बट आबिर हैड गिवन अप फाइनली. आबिर कहां जा रहा है? क्या हुआ? क्या ये? मैंने जो किया उसके लिए आई डिजर्व दिस. ठीक है ना, एक्सपेल ही हुआ है तू. सॉर्ट आउट कर लेंगे साथ मिलकर. यस आई डिड स्लीप विद चांदी मैम. उसमें तू क्या चिल करने बोल रहा है? सॉर्ट आउट करने बोलने से कुछ नहीं. एक्सपेल कर दिया मुझे. ओह, तो मैं तेरे लिए ऑनलाइन पिटीशन स्टार्ट कर दूं? आई एम सॉरी. सॉरी? फक योर सॉरी. एनीवे यार देख, आई एम रियली सॉरी. आई फक्ड अप. आई एम सॉरी निबे, आई फक्ड अप. एक्चुअली यू नो व्हाट, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है. पूरा टाइम स्ट्रांग रहकर घूमती हूँ ना, तुझे लगता है कि निबे तो जूतिया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार. गाली क्यों दे रही है यार? गाली गाली नहीं दूं तो और क्या करूं? निबे कौन है, क्या है? उसे इग्नोर कर दूं, उसे हर्ट कर दूं? स्लीप विद माय फकिंग एचओडी, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो फिर भी मेरे पीछे भी जाएगी ना, उसकी इमेजिनरी टेल घुमाते हुए. बिकॉज़ शी इज योर पर्सनल बिच. निबे आई लव यू, आई रियली डू. लव? अभी लव के डेफिनेशन में चीटिंग और लाइंग नहीं होता है. नो बर्ना. Please don't cry. I'm sorry. I know what I've done. जानबूझ के नहीं किया मैंने, जो भी किया. 20 साल से अभी मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया. Only you. And you've treated me like shit. और you know ये भी तेरी गलती नहीं, ये मेरी ही गलती है. नहीं यार निबे, मुझे पहले से ही realize कर देना चाहिए था कि तू कर ही नहीं सकता है प्यार. तेरे में love and affection है ही नहीं. तू सिर्फ एक ही जगह से सोचता है. You know, मैंने बहुत बार सोचा अगर तेरे साथ सारे कनेक्शंस तोड़ दूँ तो क्या होगा? मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा, मेंटोर नहीं होगा, और मेरी डॉक्टर बनने की सपना टूट जाएगी. Fuck all of that. तू टॉक्सिक है. And you know, I would rather be a failure than an unhappy doctor. At least my पास वो ऑप्शन तो है. You choose. मेरे बारे में सोचा है? तो अभी भी अपने बारे में सोच रहा है? कभी तूने सोचा है क्या मैं ऐसे अल्कोहलिक की तरह हर रोज दारू क्यों पीता हूँ? I fucking put this fucking fake smile on every day. तूने क्या एक बार भी सोचा है मैं
Why? I just sleep with Chandni, man. Yeah. हो गया था मैं डेस्परेट हो गया हूँ मैं डेस्परेट यार हो गया हूँ डेस्परेट तू बाबा के अप्रूवल्स के लिए एग्जाम हर एग्जाम में पास करने के लिए फकिंग डॉक्टर बनने के लिए एंड फॉर व्हाट फॉर दिस जो मैं करना भी नहीं चाहता बेंच ओन आई कांट एक्सप्लेन माय सेल्फ यार ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है अबीर के साथ जो भी है वो गलत है चांदनी इज आउट ऑफ द क्वेश्चन बट अबीर का प्यार निबेदता के लिए उसकी आंखों में दिखता है आई नो यार लेकिन यार चूतिया आइडिया तो था ग्रेड्स पाने के लिए बट आई टोटली गेट इट फैमिली प्रेशर इतना भारी सरनेम इसलिए वो सारा टाइम हॉस्टल में दारू पी के पड़ा रहता था हमेशा कॉलेज का स्टड बॉय के पास ही सबसे ज्यादा बैगेज होता है यार आई विश हम कुछ कर सकते एक्चुअली हम कुछ तो कर सकते हैं जा टीन को सेड्यूस कर ले फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना मजाक कर रही है ना आई मीन नॉट लिटरली गाइस आई गॉट अ प्लान भाई तूने कोई चूतियापन नहीं किया पर उन्हें तो पता था ना कि तू मेरा फ्रेंड है आई न्यू मैन आई ऑलवेज न्यू तू पहला शिकार नहीं था उनका मैं मानता हूँ डिवोर्स है कंपेनियनशिप और प्यार और सेक्स की सब कुछ आई नो सब एक्सेप्टेड है सब माना इमोशनल नीड्स होते हैं लेकिन शी इज फकिंग ट्विस्टेड मैन सिर्फ पावर उनकी वजह से मेरी बचपन से अब तक सिर्फ लगी है और मेरे साथ चाइल्डहुड कभी किसी का ना हो सॉरी उनको मॉम की नजर से तक नहीं देख सकता हूँ मैं अभी मॉम छोड़ मैं उन्हें देखना तक नहीं चाहता सॉरी तो मुझे नहीं पता था तू ही मुझे हमेशा से कहता था कि सबसे बड़ा पुशोर हूँ नहीं 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 इट्स अ फैक्ट मुझे कोई भी कुछ भी सुना के जा सकता है पर आज से मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े बुली के अगेंस्ट स्टैंड लेने वाला हूँ वो मेरी मॉम उसे बताऊंगा कि उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं मैं समझ रहा हूँ देख किक ड्रिंक करते हैं सब सही हो जाएगा केमिस के ऐप पे सारे लीक्स मैंने किए थे वो पेपर उसके आईपैड से वो पिक्चर उनसे बदला लेने के चक्कर में आई फक्ड इट अप फॉर यू मैन आई एम सॉरी आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा प्लीज मैं सब ठीक कर दूंगा नहीं नहीं तू समझ रहा हाय एवरीवन आप सबने ऐप पे पेटिशन का अपडेट तो देख लिया रहेगा हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि आबिर बासु को किम्स वापस लाया जाए Please sign the petition. Madam, sign. Hey, yaar. Mr. Banerjee, एक मिनट मैं नीचे जा रहा था मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्या आपके स्टूडेंट्स में कोई और क्वालिटी हो ना हो बट यूनिटी डेफिनेटली 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपील लेटर पे साइन कर दिया है पांच हुई हैं उनमें से तीन आ रहे हैं guys, guys, guys. ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सिर्फ रीढ़ की हड्डियाँ सही की जाती है रीढ़ की हड्डियाँ होती नहीं है किसी के पास समझे कुछ नहीं होने वाला Everyone is supporting Abir. मैं ऐसे ठीक करता हूँ आबिर को सपोर्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता रहे Honestly, आपके थ्रेट अब और काम नहीं करने वाले सारे स्टूडेंट्स नीचे धरने पे बैठे हैं yeah. आप इस म्यूटनी के विलन है की एक गेम खेलते हैं अब आप विलन नहीं हीरो बन जाइए मतलब गेट आबिर बैक इतना सॉलिड 360 डिग्री का टर्न तो ओलंपिक्स में एथलीट्स भी नहीं मारते ब्रो जितना आबिर की लाइफ ने मारा था थेनोस टू आयरन मैन इन नो टाइम आबिर में हम सब अपने आप को देख रहे थे इस फक्ड अप सिस्टम के मेस्ट अप विक्टिम्स
आइडियली तो ये मूवी का एंड सीन होना चाहिए था, लेकिन हमारी फीमेल लीड की कॉन्फ्लिक्ट अभी भी अनरिजॉल्व थी। निवे, प्लीज, निवे, मेरी बात सुन, निवे, निवे, लिसन टू मी, लिसन। व्हाट? देख, ऑल आई नो इज लाइक, आई लव यू, आई कैन नॉट लूज यू। और तुझे लगता है स्टिल लव यू? तू आ गया होगा वापस और तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट दैट यू चीटेड ऑन मी। प्लीज प्लीज अब और अपने आप को और मुझे एम्बैरस मत कर, प्लीज लीव मी अलोन। नहीं यार, निबे निबे प्लीज सुन ना, ऐसा आई एम सॉरी, मैं सुनना नहीं चाहती थी, आई जस्ट ओवरहर्ड। थैंक यू आई हर्ड कि आपकी वजह से मेरा आई मीन एक्सपल्शन जो है वो रिवोक हो गया, सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। बिटवीन यू एंड मी, योर डीन इज जस्ट लाइक अनदर अडल्ट, वेरी पावरफुल, अ लिटिल स्टूपिड। आई हैव बीन नो बेटर, मैं खुद बहुत स्टूपिड हूँ। वो तो तुम हो, एक्सेप्ट द फैक्ट तुमने अपनी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, फैमिली सबको डिसअपॉइंट किया, तुम सेल्फिश थे आबिर। राइट, आई वाज। यू नो व्हाट, सेल्फिश होना इज नॉट बैड, इनफैक्ट सेल्फिश होना एक आर्ट है। कोई दूसरों के लिए करते करते सेल्फिश हो जाता है, कोई अपने एक्सपेक्टेशन के लिए सेल्फिश हो जाता है। तुम्हारा रीजन क्या था सेल्फिश होने का? व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ आबिर? आज आपको पढ़ाई के लिए लेट नहीं हो रहा है? ना दादा, आज कोई पढ़ाई नहीं, आज तो बस टाइम ही टाइम। अच्छा है, मैं आपको कुछ बना के दे रहा हूँ, अच्छी नींद भी आएगी और हैंगओवर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू दादा, सिर्फ आप ही समझते हो मुझे। निभे, क्या हो गया बच्चा? आबिर ने कुछ कहा? बच्चा? बेटा, योर टाइम इज टू प्रेशियस, कल के तुम्हार एग्जाम और तुम्ही एकाने ड्रिंक कर छो। ओके ओके ओके, शांति से इधर इधर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, ओके? एक काम करते हैं, व्हाई डोंट वी जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर हैपेंड। मशीन हूँ, मेरे कोई इमोशंस नहीं है, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ। ओके ओके, आई एम सॉरी, चलो घर चलते हैं, वी हैव अ नाइस लेमनेड एंड आई विल हेल्प यू रिवाइज एवरीथिंग फॉर टुमारो। ओके चलो, कम। आज मैं अपने इमोशंस चूज करती हूँ। Worthless piece of shit! Get up! Rascal, how could you do that? You have single-handedly destroyed her reputation. It took an entire generation to build. How could you sleep with her? Tomar professor! Ki hua che? Tumhare bete ne jo kiya hai, main tumhe bata bhi nahi sakta. Kuch marks ke liye, he went and slept with his professor! Okay, Pranjal, Pranjal, bas. Tumhare dean ne mujhe phone karke sab kuch bata diye. How could you do that to Nibhe Dutta? जो आबिर आज कॉलेज में आया था वो बिल्कुल अलग था। किम्स ने उससे उसकी पर्सनालिटी की सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी छीन ली थी, हिज कॉन्फिडेंस। सॉरी,
your next clinical feature. Sorry. It's okay. पुरानी बातों को एसिड में डाल के भस्म कर देते हैं यार. अबीर मैं ना मैं एक्चुअली उस मोमेंट को भस्म करना चाहती हूँ व्हेन आई थॉट ऑफ कमिंग हियर. कौन सा कॉलेज एग्जाम के एक दिन पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम ही चेंज कर देता है, सब्जेक्ट चेंज हो गया हमारा, कौन करता है? बट थैंकफुली मैं और तो पढ़ के आई. एक सेकेंड, सब्जेक्ट चेंज हो गया क्या बोल रही हो तुम? एग्जाम आज गायनेकोलॉजी है भाई. तूने मैसेज नहीं देखा है, ऐप में भी आया था आज और छो है. इट्स ओके, लिसन, इट्स ओके. और ये नीबे क्यों नहीं आई यार अभी तक? नीबे नहीं आई मतलब? नहीं, पूरी रात उसकी तबीयत खराब थी, आई थॉट सुबह उठ के आ जाएगी, बट अभी तक नहीं आई है. आई डोंट नो. नीबे, नीबे, नीबे जी, एग्जाम शुरू हो गया है. हाँ, वही. नीबे, 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 you're late for the exam. नीबे, नीबे तू टेंशन मत ले यार, तू पहुंच जाएगी टाइम से. और तेरे डैड जस्ट मेरे लाइफ से चले जाओ प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे. कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मैं आबिर बासु हूं, आई एम रियली कूल एंड आई विल फक द होल वर्ल्ड एंड इट्स ओके बिकॉज आई हैव डैडी इश्यूज. फक यू बासुस. बन जाऊंगी मैं वो मैकेनिकल डॉक्टर जो तेरे डैड चाहते हैं. देखो अभी दरवाजा नहीं खोल सकते. प्लीज दरवाजा खोलिए. अरे बोल अपना कर, खोला जाए ना. समझ में नहीं आ रहा क्या? दरवाजा खोल ले, इतना देर फिकर क्या? खोल ले दरवाजा. एक बार बाहर जाएंगे ना फिर अंदर नहीं आ पाएगा, फिर बाहर रोते रहना, फेल हो जाएगा. हाँ ठीक है, होने दीजिए मुझे फेल, नहीं बनना है भैंचोट डॉक्टर. चल ले जाने दे इसको. लेडी लेडी तेरी तो ले ली MBBS ने, डर पाल बच्चो तेरी तो ले ली MBBS ने. लेडी लेडी तेरी तो ले ली MBBS ने. बोका चोदा बाबा का, माँ का, नीबे का, MBBS का, फैमिली का, सोसाइटी का, सबके प्रेशर का कांटा आज आबिर ने अपने गले से निकाल फेंका था. गाड़ी की चाबी तो बस बहाना था, गधे की तरह जो दूसरे के सपनों को इतने सालों से लेके घूम रहा था, आज फाइनली उसने कह दिया था बस बहुत हुआ. नीबे, 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 सुन तो सही. ओली, प्लीज एग्जाम्स होने तक मुझे बख्श दे प्लीज. इट्स ओके चिल, मैं डॉक्टर बासु का मैसेज डिलीवर करने आया था. मुझे उनसे कुछ बात नहीं करना है, ये मैसेज दे देना उन्हें. हेलो, तुम्हें मालूम है ना आबिर इज मिसिंग, मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ. कोई मैसेज, फोन. इतना बड़ा स्टड है ना आबिर, आई एम श्योर उसे घर का रास्ता पता है. नीबे, तुमने नोटिस किया ना उसने एग्जाम नहीं दी. आई हैव टू गो. सेकेंड हैंड कार देखिए कभी, पानी के बारिश में अंदर से फक्ड है, एसी से ठंड कम और आवाज ज्यादा निकलती है, अंदर के वायरिंग में इतना गड़बड़ है कि म्यूजिक चलाओ तो लाइट ऑन हो जाती है, पर बेचने से पहले पेंट मार के चकाचक हो जाती है. हमारा भी यही हाल है. निशांत भट्टाचार्य, the gold medalist of Cannes for the year 2019. 5 साल के वेयर एंड टेयर में हमारी बॉडी के इंजर पिंजर हिला दिए,
बाहर से तो हम एकदम चमक रहे थे, सब एकदम फिट थे। दादा डिग्रीज जो मिल गई थी, डॉक्टर बन गए थे, सेलिब्रेशन भी शुरू हो गया था। अंदर तो 5 साल की उल्टियां भरी थी, लेकिन बाहर एकदम फकिंग फेक स्माइल्स थी। आबिर को उसके बाप ने कहा डॉक्टर बन जाओ, निवे को भी उसी डॉक्टर बासु ने कहा, मोहिना को तो फ्लोरेंस नाइटिंगल बनना था और निष्ठा को तो डॉक्टर बन के शादी करनी थी। नानकी जस्ट वॉन्टेड टू गेट लेट, पर मुझे डॉक्टर क्यों बनना था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। शायद वीट के नशे में गलत फॉर्म भर दिया। What the fuck? गोल्ड मेडल भी नकली है? इस नकली गोल्ड मेडल से तो 2 जॉइंट का पैसा भी नहीं निकलेगा। इस साल हमारे बैच में एक नहीं बट 2 गोल्ड मेडलिस्ट है। निवेदिता सरकार, प्लीज कम ऑन स्टेज। कहानी के शुरुआत में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, आयरनी। सुट्टा पी के लंग कैंसर का ट्रीटमेंट, कुछ याद आया? 5 साल मेडिकल स्कूल के बाद ये एक नई आयरनी थी, जिस आबिर की वजह से निवे और डॉक्टर बासु मिले, वही आज गायब था, आयरनी। मामा, एक मिनट। I know मैं आपको कभी रीपे नहीं कर सकती हूँ आपकी मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए, लेकिन ये आपके लिए। आबिर शुधु এই পেপারটা অ্যাটেম্পট করেছিল। সে কমপ্লিট সোল পেপার ইন ওয়ান আওয়ার। কাশ উস দিন হমনে উসে রোকা হতা। सोलह घंटों वाले दिन, परमानेंटली जॉम्बी जैसी आंखें, 1000 लैब एक्सपेरिमेंट्स और काउंटलेस बुक्स, टेंशन वाली रातें, टेंशन वाले दिन, एक मील पे 2 दिन जीना, लाइब्रेरी में पास आउट हो जाना, एग्जाम्स, मोर एग्जाम्स और थोड़े और एग्जाम्स। डैम, वी सर्वाइव्ड एमबीबीएस, बट जो ये सर्वाइव नहीं कर सके उन्हें हम कभी भूलेंगे नहीं। डॉक्टर्स क्लिनिक में अपनी सारी अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स फ्रेम करके लगाते हैं लोग, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन सर्टिफिकेट्स के पीछे क्या सैक्रिफाइसेस होते। व्हाट वी गेन, व्हाट वी लूज। ये कभी जो न थी मेरी मंजिलें, उनसे हार के क्यों रूठा हूँ, उनसे हार के क्यों रूठा हूँ। आमारे यो बुझ मोंटा जे हरानो एक सुर खोजे, हरानो एक सुर खोजे। था उन जंगली जीरा हूँ वे, जहाँ कोई कभी न भटकता था। आज मुसाफिर उन राहों का, जहाँ सुरों का जंगल बसता था, जहाँ सुरों का जंगल बसता था। पता है तुझे मैं नहीं पीता हूँ।
आता क्यों है इधर फिर जब नहीं पीना होता है तो? यार एक प्यास से स्ट्रगलर आर्टिस्ट को सिर्फ इंस्पिरेशन और थोड़ी सी ऑरेंज जूस की जरूरत है, ये नहीं। Can I buy you that juice? You're a brilliant artist. Oh, thank you so much. Actually, I would love to have a free juice, but it's just that I am married. Do you think you can forget about that for tonight? Sorry. निवेदिता बेटा, बहुत लकी हो, इतना प्यारा लड़का। क्या डेट निकली है शादी की? बहुत जल्दी आंटी, आप साड़ियां खरीद लो। ऑल द बेस्ट। अब तो शादी करनी पड़ेगी। आंटी को साड़ियां भी खरीदने बोल दिए, नुकसान हो जाएगा ना उनका। आंटी को नुकसान, ये भी अच्छा रीजन है। अभी इतना मेहनत करने के बाद कन्विंस हुई हो, अब तो कोई भी रीजन चलेगा मुझे। हेलो, ओके, नहीं मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ओके, जाओ। सॉरी। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि वापस कभी नहीं आने वाली। हाँ, अच्छा पहुँच के फोन कर देना। हाँ। मैम एक यंग लड़की है, 21 ईयर ओल्ड, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है उसका, बहुत इंटरनल इंजरीज भी हैं, इसलिए हम उसे ओटी के लिए रेडी कर रहे हैं। इसकी बॉयफ्रेंड की हालत तो इससे भी खराब है, बहुत घबरा रहा है, रो रहा है, नीचे बैठा हुआ है। कोई लोकल अंडरग्राउंड स्टार है, यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ना, ये इतना मीडिया अटेंशन पसंद नहीं करेगा। प्लीज एक बार मिल लीजिए आप उससे। कौन है इसका बॉयफ्रेंड? इतनी भीड़ क्यों है नीचे? ये देखिए डॉक्टर भी आ गई। आइए डॉक्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। इतनी लंबी स्टोरी थी इन दोनों की, एंड अभी तक शायद इन्हें भी लग रहा था कि यही दी एंड है, लेकिन ये फुल स्टॉप तो कॉमा निकला। इस स्टोरी का तो सीक्वल बनता है ब्रो, सीजन 2 इट इज। Boca Chona!